स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग मध्यकालीन भारत मेडुअल इंडिया के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और मेडुअल इंडिया या मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम मुगल वंश के इतिहास को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बाबर और उसके पुत्र हुमायूं के इतिहास को पढ़ लिया था। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज अकबर का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे। वैसे अकबर का संपूर्ण इतिहास ये करीब करीब 2-3 क्लास होगी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा आज पढ़ा जाए। तो अकबर का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, एक नए अंदाज में पढ़ेंगे, एक नए तरीके से पढ़ेंगे, परंपरागत तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे कि हमें पढ़ना भी कम पड़े और चीजें भी ज्यादा तैयार हो जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जानते हैं अनअकैडमी के बारे में कुछ प्रमुख बातों को। जैसे यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शंस लेने पे जो देश की सर्वश्रेष्ठ एजुकेटरों की टीम है उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, मैं भी इसी में शामिल हूँ, निरंतर मेरा भी मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। कुछ खास घोषणाएं हैं अनअकैडमी की तरफ से और ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे जो अनअकैडमी में इस समय सब्सक्रिप्शंस ले रहा है और महा सब्सक्रिप्शंस ऑफर है, महा एडमिशन ऑफर है, इसमें आपको यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स तो पढ़ाया ही जाएगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज का भी मौका मिल रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो प्रैक्टिस करने का यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट भी है। ये देखो फुल लेंथ का प्रीलिम टेस्ट है 20, स्पेशल टेस्ट है यहाँ पे 12 और टॉपिक वाइज टेस्ट है यहाँ पे 18 और यहाँ पे मेंस में भी 30 टेस्ट होना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे अब ये किसके साथ में ये ऑफर मिल रहा है इसको मैं बताता हूँ। तो ये जो महा सब्सक्रिप्शंस ऑफर है ये आप लोगों के बीच में 23 जून तक बढ़ गया है और इसमें आपको कंप्लीट सामान्य अध्ययन और सब्जेक्ट का भी ऑप्शनल पेपर का भी अध्ययन करवाया जा रहा है। दो तरीके का कोर्स है, एक प्लस है और एक आइकोनिक। प्लस कोर्स की वन ईयर की जो फीस है वो है 57,500 रुपए है। हमारा रेफरल कोड आप लोग यूज करेंगे SANJEE, तो यहां पे आपको फीस में 10% की छूट मिलेगी, करीब करीब 51,000 रुपए फीस आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से आइकोनिक जीएस की और ऑप्शनल कोर्स की जो फीस है वो 76,568 समथिंग हो जाएगी। ये 2 साल का भी कोर्स है, 3 साल का भी कोर्स है, तो एक बेहतर मौका है। और ये जो जून का महीना होता है ये सब्सक्रिप्शंस लेने का या अध्ययन शुरू करने का एक बेहतर समय होता है, इसीलिए इस समय ज्यादा बैच चल रहे हैं और इसीलिए इस समय आपको ऑफर भी दिया जा रहा है। हाँ, एक बात और है कि यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शंस लेना है तो लोन के माध्यम से भी सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। ये लोन का फॉर्म है, इस लिंक पे जाके लोन का फॉर्म आप भर सकते हैं और अनअकैडमी आपको लोन भी प्रदान करती है। केवल नॉमिनल यहाँ पे कागज आपको दिया जा रहा है सबमिट करने के लिए और कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई भी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है और 2 घंटे में अप्रूवल हो जाता है। मे बी किसी को लोन के माध्यम से ये पूरा कंप्लीट कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस महीने में अनअकैडमी में सबसे ज्यादा हमारी तरफ से एडमिशन हुआ है, ये आप लोग समझ लीजिए 4th स्थान हमारा रहा है।
ये आप लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ है, ये सब आप लोगों की रहमत है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि जहां पे करीब 150-200 एजुकेटर पहले से हूं और हमसे बहुत पहले से हूं, हमें तो अभी कंप्लीट एक साल भी नहीं हुआ है, तो ये हालत है, ये आप लोगों की वजह से है, आप लोगों को सादर प्रणाम हमारी तरफ से। तो अगर किसी को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो चूंकि डायरेक्ट हमारे से बात होती है तो बच्चे कॉन्फिडेंस में आते हैं, और जितने भी लोगों ने हमारी तरफ से लोन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए उनको सब्सक्रिप्शन मिला, 2-3 घंटे में ही हमने सब्सक्रिप्शन दिलवा दिया और आराम से उनका जो 16 जून का बैच हुआ है वो लोग पढ़ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि हमने ही उन्हें फोन किया, उन लोगों ने हमें फोन नहीं किया, और हमारी तरफ से आपको नोट्स भी मिलता है, ये भी एक अलग खासियत है। तो किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 8750188791 हमारा नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और आपको यह ऑफर मैं दिलवा दूंगा, लोन का ऑफर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 तरीके का सामान्य अध्ययन का कोर्स है, एक प्लस कोर्स है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। यहाँ पे रेफरल कोड हमारा वही है SANJEEB, और इसका आप लोग प्रयोग करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे तो फीस में आपको 10% की छूट मिलेगी। ये आइकोनिक कोर्स जो है ये आपको 12 महीने 24 महीने 36 महीने के रूप में मिल रहा है, यहाँ पे भी हमारा यही रेफरल कोड आपको मेंशन करना है SANJEEB, जैसे ही अप्लाई करेंगे फीस में यहाँ पे भी आपको 10% की छूट मिलेगी। ये जो आइकोनिक कोर्स है प्लस कोर्स के मुकाबले बेहतर है, बेहतर इसलिए है कि चूंकि इसमें बेसिक से अध्ययन करवाया जाता है, तो जो स्टूडेंट इंटर में है ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इनके लिए बहुत उपयोगी, और जो थोड़ा पढ़ चुके हैं 1-2 साल जिन्होंने पढ़ाई किया है उनके लिए प्लस कोर्स थोड़ा उपयोगी होगा। और दूसरी बात, हमारे मार्गदर्शन में आपको तैयारी करने को मिलेगा, तो किसी भी कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो दोनों आपके लिए बेनिफिट में होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक खासियत और है, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन अलग से आप लोग ले सकते हैं, और ये यूपीएससी में 36 महीने का ये कोर्स है, ये 50,000 रुपये फीस है, 24 महीने 40,000 रुपये फीस है, 12 महीने की जो फीस है वो 27,500 रुपये। इसमें यहाँ पे आप लोगों को हमारा रेफरल कोड मेंशन करना है SANJEEB, इससे आपको यहाँ पे भी फीस में 10% की डिस्काउंट मिलेगी, यहाँ पे भी आपको फीस में 10% की डिस्काउंट मिलेगी। ये हमारा रेफरल कोड है SANJEEB, यही हमारा नाम भी है। इसी रेफरल कोड के माध्यम से अनअकैडमी में किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप लोग, अपने घर परिवार में अपने मित्रों को सब्सक्रिप्शन दिला सकते हैं, वो चाहे यूपीएससी का हो, स्टेट कमीशन का हो, डॉक्टरी का हो, आईआईटी का हो, पीएमटी का हो, रेलवे का हो, यूजीसी का हो, किसी का हो, तो इसका प्रयोग करना आप लोग ना भूलें। इसके अलावा देखो एक खास बात और है कि जो लोग आज या कल में सब्सक्रिप्शन या परसों में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे आज फ्राइडे है कल सैटरडे हो जाएगा, संडे को क्लोज डे ही होता है और 23 तारीख से यहाँ पे बैच शुरू हो रहे हैं, तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो 1-2 दिन पहले आराम से सब्सक्रिप्शन अच्छे मोड में उसको ले लेना चाहिए कि बड़ी शांति से बड़े अच्छे तरीके से अपने 23 तारीख के बैचेस की शुरुआत कर सके। तो ये बैच भी तुरंत लगा हुआ है, बस आप लोग सब्सक्रिप्शन की तैयारी कीजिए। 1 ईयर का कंप्लीट बैच है, 2 ईयर का है, और यहाँ पे यूपीएससी का रिविजन बैच भी है, फ्री टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी काम बैठ है प्रत्येक संडे को, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अकबर महान के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे, तैयार हो जाइए, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। एक बार क्लास को शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में आप सभी लोग, और लाइक कर लीजिए सभी लोग, लाइक ज्यादा है लाइक कम है, हाँ तो थोड़ा दया दिखाइए, थोड़ा मर्सी दिखाइए, थोड़ा प्रोत्साहन हमारा भी कीजिए आप लोग, थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लोग हमारा भी बढ़ाइए। तो लाइक भी करना है और लाइव भी आप लोगों को ही बढ़ाना है, तो एक बार शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में क्लास को, पढ़ते हैं, मजा आने वाला है आज की क्लास में। अकबर महान के इतिहास को पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे हम लोग अकबर को महान क्यों कहा गया, उसकी महानता का रहस्य क्या है।
जैसे आप लोग यूपीएससी को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी यूपीएससी को क्वालिफाई करने का रहस्य क्या है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग, बिल्कुल तन्मयता क्लास में दिखनी चाहिए, बिल्कुल उत्साह क्लास में दिखना चाहिए आप लोगों की तरफ से। बादशाह अकबर, ये जो बादशाह अकबर है ये 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद यानी अपनी पिता की मृत्यु के बाद शासक बनता है। जो इसका पिता रहता है जिसका नाम अकबर हुमायूं है, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यवान होता है। हुमायूं 1556 ईस्वी में ही दिल्ली में एक पुस्तकालय वही बनवाता है जिसका नाम है शेर मंडल पुस्तकालय। उसी पुस्तकालय इसकी सीढ़ियों से उतरता है और गिर के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार स्टेनले लेनपूल साहब कहते हैं कि हुमायूं, ध्यान रखना इस इतिहासकार का नाम, कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए आया था और लड़खड़ाते हुए चला गया। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में हुमायूं का पुत्र अकबर शासक बना जिसका मूल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जब अकबर शासक बना तो जरा आप लोग गौर से समझिएगा कि उसकी उम्र 13 साल 3 महीना या 6 महीना इसकी उम्र थी, अभी आपको एग्जैक्ट मैं बताऊंगा। तो आप सोचो कि 13.5 साल की उम्र में यह शासक बन जा रहा है, तो आप लोग 21 साल के बाद तुरंत आईएएस बन जाइए, देरी मत कीजिए, सीखिए अपने बादशाह से। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो 25 साल की उम्र में तैयारी शुरू करेंगे, 30 साल की उम्र में तैयारी करना शुरू करेंगे। तब क्या वही उत्साह रहेगा? तब क्या वही जोश रहेगा? क्या धमनियों में उसी तरीके से खून हमेशा दौड़ता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। समय के हिसाब से धीरे धीरे चीजों या शरीर की गतियों में अंतर आता है। तो अभी आप लोगों का एक समय है, केवल और केवल पढ़ाई करने का समय है, जम के पढ़ाई कीजिए और 21-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में आईएएस बन जाइए, जिससे कम से कम 40-42 साल नौकरी कीजिए। सरकार तनख्वाह देती है उससे पैसा कमाइए, वो रहने के लिए बंगला देती है, लाल बत्ती देती है और ये जो अकबर है इसकी मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। तो करीब 50 वर्षों का शासनकाल है अकबर महान का, 50 वर्षों का शासनकाल है। इसमें ये जो अकबर है, ध्यान से एक एक तथ्यों को समझते रहिएगा, इसका मूल नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखो ये जो अकबर है इसकी कई उपाधियां हैं लेकिन आप लोग जानते नहीं होंगे। इसकी एक उपाधि है अर्श आसियानी, और यूपीएससी ने इसको पूछा हुआ है। और अकबर को यह उपाधि देता कौन है? इसका पुत्र जहांगीर यानी सलीम देता है। जो सलीम है उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, जो जहांगीर है उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी हुई है, उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तो यह उल्लेख अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर करता है कि अकबर तो अर्श आसियानी है। अर्श आसियानी का मतलब क्या है? अर्श आसियानी का मतलब है कि अकबर तो स्वर्ग में रहने वाला है। क्या है इसका मतलब? क्या होता है अर्श आसियानी का मतलब? अकबर ने तो कर्म ऐसे किए कि उसको स्वर्ग में जगह मिली है। कहां जगह मिली है? स्वर्ग में रह रहा है अकबर। यह इसका पुत्र सलीम या जहांगीर स्वयं अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में इसके लिए ऐसी उपाधि का प्रयोग करता है, अकबर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, कहता है ये तो अकबर स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति है,
स्वर्ग में रहने वाला बादशाह है। अर्स आसियानी का मतलब हुआ स्वर्ग में रहने वाला। जहांगीर ने इस उपाधि को प्रदान की। एक अंग्रेज इतिहासकार है और इसका नाम है एल फिस्टन, बड़ा चर्चित इतिहासकार है, बहुत बड़ा इतिहासकार है। इसके बड़े वक्तव्य हैं, बड़े कथन हैं, बड़े लोगों के बारे में इसके अपने स्लोगन हैं। ये एल फिस्टन अकबर के बारे में कहता है कि ये मध्यकालीन भारतीय का क्या है, एक राष्ट्रीय शासक है। राष्ट्रीय शासक वो होता है जिसका पूरे क्षेत्र पर कब्जा होता है, पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण होता है। लोग उसकी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं, लोग उसके प्रेम के आगे झुकते हैं, उसका नमन करते हैं, वह राष्ट्रीय शासक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एल फिस्टन के अनुसार है। इसके अलावा ये जो अकबर है, इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, सबको याद रखना पड़ेगा। और जन्म स्थल क्या है, अमरकोट है। अमरकोट कहाँ है भैया, तो अमरकोट सिंध में है। और एक्चुअली जैसे आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो आप लोग कहते हो लुम्बिनी वन में हुआ, और यूपीएससी भी यही मानता है। जबकि लुम्बिनी वन नेपाल की तराई और कपिल वस्तु गणराज्य के अंदर में आता है। वैसे ही ये जो अकबर है, इसका जन्म एक्चुअली एक राणा बीरसाल हैं, उनके महल में होता है, उनके महल में होता है। और इनका महल कहाँ है, अमरकोट में है। और अमरकोट कहाँ है, सिंध में है, सिंध जो आज पाक के पास है, ये अपना सिंध था पहले। और यहीं पे अकबर का जन्म कब होता है, 15 अक्टूबर 1542 को यहीं पर अकबर का जन्म होता है। तो ये कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना, राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके पिता का नाम हुमायूं है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान। इसकी माता का नाम क्या है, हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम को मरियम मकानी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हुमायूं की पत्नी है और अकबर की माता है। जब राणा बीरसाल के महल में 1542 में अकबर का जन्म हुआ, तो हुमायूं अपना निर्वासित जीवन बिता रहा था, क्योंकि 1540 ईस्वी में वो शेरशाह से कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में अंतिम रूप से हार गया था, और शेरशाह ने उसको भगा दिया था। जो भगा दिया था, और 15 अक्टूबर 1542 में राणा बीरसाल के महल अमरकोट में इसका जन्म हुआ। तो हुमायूं के पास एक सुल्तान था, एक बादशाह था। जब जन्म हुआ तो ये युवराज था अकबर, और इस समय हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था कि जब बादशाह अकबर का जन्म हो रहा है, बालक अकबर का जन्म हो रहा है, तो इसके जन्मोत्सव को हुमायूं अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके। इसी समय कहते हैं कि ये जो हमीदा बानो बेगम हैं, जो मरियम मकानी साहिबा हैं, इन्होंने अपने कंगन को हाथ में जो पहना था, सोने का कंगन, इसको बेचा था। और बेचने के बाद में जो वहां आसपास के लोग थे, उनको दान दिया, उनको भोजन कराया, और भोजन करा के अकबर के जन्मोत्सव को मनाया। इनका लेकिन पालन पोषण किसने किया, इनका पालन पोषण अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम ने किया। क्यों, ऐसा क्या हुआ, अब 1542 का जो समय था, हुमायूं ने अपने भाई अस्करी, जो बाबर का पुत्र था, अस्करी के पास अकबर को रख दिया, और स्वयं ईरान चला गया हुमायूं। और अस्करी की जो पत्नी थी, इसका नाम था सुल्ताना बेगम, इस सुल्ताना बेगम ने अकबर का पालन पोषण किया। ये जो अकबर का राज्याभिषेक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, महत्वपूर्ण कर लीजिए। अकबर अपना राज्याभिषेक करता है कलानौर नामक स्थान पे, और ये गुरदासपुर में एक जिला है, ये पंजाब में एक जिला है गुरदासपुर। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ,
अकबर ने अपना राज्याभिषेक कलानौर में करवाया। जो अमर कोट है वो सिंध में है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो कलानौर है, जो कोरोनेशन हो रहा है अकबर का, वह कहां हो रहा है? वो कलानौर में हो रहा है। दोनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछे जाते हैं। और कलानौर कहां है? कलानौर पंजाब में है, और पंजाब के जिले गुरदासपुर में है। आज भी गुरदासपुर एक जिला है। राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ, जिसको अंग्रेजी में कोरोनेशन के नाम से जाना जाता है, तो इसकी उम्र जो थी वो 13 वर्ष 4 माह की उम्र थी। जरा सोचिए आप, कितना योग्य रहा होगा बचपन में ही। तो सोच लीजिए कितने जल्दी कितना आगे लोग बढ़ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अकबर का जो पहला विवाह हुआ था वो किसके साथ से हुआ था? वो रुकैया बेगम से हुआ था। फिल्मों में भी यही सही है। और ये रुकैया बेगम कौन था? ये बाबर की पुत्री, बाबर का पुत्र हिंदाल की पुत्री थी। ये देखो हिंदाल है, और हिंदाल की पुत्री है ये रुकैया बेगम। पहला विवाह इसी के साथ में होता है। रुकैया बेगम से कोई पुत्र नहीं होता। अकबर परेशान और द्रवित अवस्था में आ जाता है। 1563 में अकबर का विवाह जोधाबाई से होता है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जोधाबाई कौन थी। तो जोधाबाई कौन थी, कोई बता सकता है? जोधाबाई कौन थी, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। जोधाबाई, जोधाबाई, तो ये जो जोधाबाई थी ये कितनी थी, कोई बता सकता है? एक थी या दो थी या तीन थी? बालक लोग, जोधाबाइयां कितनी थी, बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। श्रेया, आशीष, आप भी बताओ कितनी जोधाबाइयां थीं? तो आशीष का कहना है कि सर दो, हमारी ख्याल से दो जोधाबाइयां थीं। तो सही बता रहे हैं आशीष, क्यों ये नहीं बता रहे आशीष? तो कौन बता रहा है भाई, फिर कोई बता रहा है या नहीं बता रहा? कौन बता रहा है, बताओ आप लोग। तो दो थीं। अब एक जोधाबाई, ये देखिए आप लोग समझ लीजिए इसके इतिहास को। जोधाबाई उर्फ हरखाबाई एक का नाम था, जोधाबाई उर्फ हरखाबाई एक का नाम था, और ये अकबर की पत्नी थी। ये अकबर की पत्नी थी, और ये कहाँ की थी? ये आप लोग देखेंगे तो ये आमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री थी। आमेर का मतलब अलवर, और वर्तमान में जो जयपुर का स्थान है वही है आमेर। और इन्हीं से सलीम का जन्म हुआ था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का जन्म हुआ था इन्हीं से, बड़ी मन्नतों के बाद। और दूसरी जो जोधाबाई हैं, इनको जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है। जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ की हैं? ये उदयपुर की हैं, ये उदयपुर की हैं। और ये किसकी पत्नी है, ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर की पत्नी है, ये जहांगीर की पत्नी है। और इन्हीं से खुर्रम का जन्म हुआ था। खुर्रम, खुर्रम का मतलब शाहजहां का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये अंतर है, जल्दी से आप लोग जान ही नहीं पाते। किताबों में भी इकट्ठा लिखा हुआ नहीं मिलता ना, खासियत तो ये भी है, किताबों में भी लिखा हुआ जल्दी से नहीं मिलता। तो इस अंतर को आप लोगों ने समझा, थोड़ा आगे बढ़िए। ये एक लेडीज का नाम आ रहा है, एक स्त्री का नाम आ रहा है।
कुछ स्त्रियां हैं इनको समझिए, एक है माहम अनगा। तो माहम अनगा अकबर की धायमा थी, धायमा का मतलब है अकबर का पालन पोषण करती थी, यानी अकबर की प्रतिपोषक थी, और कालांतर में पेटीकोट गवर्नमेंट में ये शामिल होगी। इसके अलावा अतका खां ये अकबर की, अकबर का धाय पिता था, ये ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, ये अकबर का धाय पिता था, ये भी अकबर का प्रतिपोषक था, यानी पालन पोषण करता था। जीजी अनगा अतका खां की पत्नी थी, ये अतका खां पुरुष था, महिला नहीं थी ये, और जीजी अनगा इनकी पत्नी थी। ये जो अकबर का जीवनीकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। अकबर का जीवनीकार कौन था? तो अकबर का जीवनीकार वायजीद वकात था, जिसने अकबर की जीवनी लिखा था। कौन था? वायजीद था, ये एक तोपची भी था और बहुत बड़ा साहित्यकार भी था, वायजीद वकात। इसने अकबर की जीवनी लिखी है, अकबर का जीवन चरित्र लिखा है वायजीद वकात ने, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ आपको मिल ही जाता है, या नहीं मिलता पीडीएफ? मिल जाता है। तो अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य आपके सामने, बड़ी दूर दूर से संकलन करके आप लोगों के लिए लाता हूं कि आप लोगों को आईएएस बनने में देरी नहीं, जल्दी हो। तो यहां पे देखिए कि जब अकबर इस समय भारत का शासक था या मुगल बादशाह के रूप में था, तो इस समय विश्व के इतिहास में जो प्रसिद्ध शासक थे, जो इसके समय में राज करते थे, जो इसके समकालीन थे, उसका नाम आप लोग देखिए। जैसे जब सैंधव सभ्यता का इतिहास पढ़ाया था तो हमने सैंधव सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं को बताया था, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन है, उसी तरीके से अकबर ने जब राज करना शुरू किया तो इसके समय काल में विश्व में इसके समकालीन राजा कौन थे जो प्रसिद्ध थे, उसको देखिए आप सभी लोग। तो यहां पे इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के में इस समय महारानी एलिजाबेथ टेलर महारानी के रूप में है, राजा के रूप में नहीं है। अभी शाम को 4 बजे वाली क्लास में हमने आपको बताया भी था, जब भारत में बादशाह अकबर शासन कर रहा है तो इस समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम टेलर शासन कर रही है। इसके अलावा फ्रांस में इस समय हेनरी चतुर्थ शासन कर रहा है, हेनरी चतुर्थ, और इस समय पर्सिया या फारस में कौन शासन कर रहा है? तो यहां पे शाह अब्बास एक महान शासक है मध्य एशिया का, एक सबसे बड़ा शासक है मध्य एशिया का, शाह अब्बास, पर्सिया या फारस या ईरान, ये ईरान का शासक है कौन? शाह अब्बास। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ये सूची के रूप में आ सकता है, ये सूची के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की शासिका थी एलिजाबेथ प्रथम, फ्रांस का शासक था हेनरी चतुर्थ, और ईरान या पर्सिया का शासक था कौन? शाह अब्बास, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक। यही वो शाह अब्बास है जिसके दरबार में बादशाह अकबर का पिता भाग के गया था, और इसने हुमायूं को संरक्षण दिया था, और इसके कहने पर हुमायूं ने सिया मत को भी धारण किया था, जबकि मुगल शासक सुन्नी है, जबकि मुगल शासक क्या है? मुगल शासक सुन्नी है, ध्यान रखिएगा। अब आगे एक युद्ध है, इस युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक दूसरी बात को देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब अकबर का पिता हुमायूं ईरान चला गया था और अपना निर्वासन जीवन बिता रहा था, तो ईरान का इतिहास इस समय चतुर्दिक दिशाओं में बहुत ज्यादा फैल चुका था, स्थापत्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तोपचियों के क्षेत्र में, सेनापतियों के क्षेत्र में ईरान अत्यंत प्रसिद्ध था, ध्यान रखिएगा आप। तो जब हुमायूं भारत आया तो यहां पे जो शाह अब्बास था, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था बैरम खां, जो सिया था, वो भी हुमायूं के साथ भारत आया। हुमायूं के साथ कई चित्रकार भी भारत आए, कई स्थापत्यकार भी भारत आए। और जब हुमायूं 1555
55 में दोबारा शासक बना तो हुमायूं का मुख्य सेनापति बैरम खां ही बना था। तो जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो बैरम खां अब अकबर के साथ में रहने लगा था। तो अकबर जब 1556 में शासक बना तो वो बहुत छोटा था, 13 वर्ष 4 महीने का उसका जीवन था। तो जब शासक बना तो बैरम खां ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया। तो 1556 से 1560 का जो युग है वह अकबर बैरम खां के संरक्षण में काटता है। इसीलिए 1556 से 60 के युग को बैरम खां के युग के नाम से जाना जाता है। बैरम खां ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के माध्यम से, अपने बाहुबल के माध्यम से इस समय अकबर को भारत में शासक के रूप में स्थापित किया और पानीपत के द्वितीय युद्ध में इस समय आदिल शाह के सेनापति हेमू को इसी ने पराजित किया था। तो ये जो बैरम खां है इसके बारे में कुछ खास बातें मैंने यहां पे कलेक्शन करके रखी हैं आप लोगों के लिए, आइए इसको पढ़ते हैं। 1556 से 60 में अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा था। यह अकबर का वजीर था, वजीर का मतलब पीएम से है, ठीक। और वकील का मतलब किससे है, वकील का मतलब सेक्रेटरी से है या सचिव से है। वकील अगर कहूंगा तो सचिव होगा और वजीर अगर कहूंगा तो आप लोग समझिएगा कि वो पीएम है यानी प्रधानमंत्री है। और यह सिया था यानी इस्लाम धर्म में दो तीन जो संप्रदाय हैं उसमें जो मुख्य संप्रदाय हैं वो सिया और सुन्नी है। सुन्नी थोड़ा कट्टर हैं, सिया उदार हैं। तो ये जो बैरम खां है ये सुन्नी है और ये बैरम खां सिया है। और अकबर, अकबर भी सिया है क्यों, जल्दी से बताइए, अकबर सिया है या सुन्नी है, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, अकबर सिया है या सुन्नी है। नेहा भगत जल्दी से बताओ बेटा, नेहा भगत, राकेश धामिया बताएंगे, ये जयपुर से हैं, क्यों बताइए, अकबर सुन्नी है या सिया है, अकबर सुन्नी है या सिया मतावलंबी है, जल्दी से बताइए, अकबर सिया है सरदार जी, कहां पढ़े बाबू, तुम तो ऐसे पढ़ाकू हो, मेहनत करते हो फिर ऐसे गलती करोगे, यूपीएससी लवर साहब, आईडी यूपीएससी लवर है, और अकबर सिया है सूर्य नारायण साहब, नाम तो सूर्य नारायण है। अब आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, तो लगता है लगे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आपको बुरा लगे, और बुरा लगे तभी तो तैयारी करोगे, अगर अच्छा लगेगा तो तैयारी कैसे करोगे आप। यूपीएससी में धक्का लगना चाहिए, किसी की बात लगनी चाहिए, यूपीएससी इतना आसान नहीं है, क्या पता गुरुजी की ही बात लग जाए और कह दो नहीं गुरुजी बन के आईएएस दिखाऊंगा, क्यों। हाँ तो ऐसे ही एक तरफ से बोलना है आप सभी लोगों को, एक तरफ से बोलना है सुन्नी है अकबर। अब ध्यान रखना जितने भी मुगल शासक हैं सभी सुन्नी हैं, लेकिन अकबर का सेनापति बैरम खां सिया है, ठीक। सेनापति क्या है, सिया है, ये यहां पे लिखा है। बैरम खां के नियंत्रण में ही पानीपत में अकबर को विजय मिली थी। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था इसमें अकबर को विजय मिली थी। अभी युद्ध को प्रॉपर हम लोग पढ़ेंगे, युद्ध को बड़े अच्छे तरीके से मैं कराता हूं, चिंता मत कीजिए। इसके बाद में बैरम खां के खिलाफ अतका खैल समूह, अतका खैल समूह क्या है, जो बैरम खां है कुछ समय बाद जो अतका खैल समूह है, इसको समझ लीजिए, समझ में नहीं आता
अतका खैल समूह में वैसे लोग शामिल हैं जो अकबर के प्रतिपोषक हैं, जिन्होंने अकबर का पालन पोषण किया हुआ है, जिन्होंने अकबर को दूध पिलाया हुआ है। अब समझ में आ गया? मैं सीधी बात को ज्यादा बोलना पसंद करता हूं कि आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। इन्होंने ही षड्यंत्र रचा हुआ था, इन महिलाओं ने ही षड्यंत्र रचा हुआ था, इसकी वजह से बैरम खां का पतन हो गया। लेकिन ये जो बैरम खां था, बैरम खां के पतन के कुछ अन्य कारण थे। जैसे ये जो बैरम खां था, बैरम खां सिया था और ये बादशाह अकबर सुन्नी थे, और उसके हरम की जो भी महिलाएं थी वो भी सुन्नी थी। तो इन महिलाओं को ऐसा लगा कि ये जो बैरम खां है ये सिया है, और सिया धर्म कहीं ना कहीं भारत में बढ़ रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कालांतर में ये बढ़ा दे। ये कौन है भाई इतना खतरनाक कमेंट करने वाला? नेहा शर्मा पंडित जी, क्या हो गया? और पक्षपातपूर्ण नीति, ये जो बैरम खां था ये अकबर के समय में पक्षपातपूर्ण नीति का पालन करता था। सबसे पहले जब अकबर शासक बना तो अपने आसपास के लोगों को प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दे दिया, और सुन्नी पीछे रह गए, सिया आगे बढ़ गए। अब सुन्नी नाराज होंगे, तो सुन्नी नाराज होंगे तो अकबर से कहेंगे कि बैरम खां को भगाओ, तो अकबर खां बैरम खां को निकालने का प्रयास करेगा, इसलिए भी बैरम खां का पतन हो गया। और बैरम खां का व्यक्तित्व, ये कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि बैरम खां जो व्यक्तित्व था वो उदार नहीं था, वो दम्भी था, वो अहंकारी था, कई बार जल्दबाजी में अनुपयोगी निर्णय लेता था, इसलिए भी उसके निर्णय को लोग सही नहीं ठहराते थे। अकबर के आदेश का पालन करते हुए अब क्या हुआ कि जब अतका खैल ग्रुप की महिलाओं ने कहा कि भाई इस बैरम खां को दरबार से बाहर निकाल दिया जाए, तो बैरम खां को अकबर ने बुलाया, सम्मान करता था। तो बैरम खां ने कहा कि मैं मक्का की यात्रा पर जाना चाहता हूं, तो बैरम खां मक्का की यात्रा पर निकल गया। लेकिन इसी समय अकबर आगरा से लौट के दिल्ली आया और दिल्ली में अतका खैल समूह की महिलाओं से मिला। तो यहां पे जो माहम अनगा थी उन्होंने अकबर के फिर कान भर दिए, फूंक दिए कान में, अरे जल्दी से बाहर भगाओ इसको, देखो रास्ते में कहीं रुका तो नहीं है। तो अकबर को सेना भेजनी पड़ी, और ये जो इस समय बैरम खां था ये राजस्थान में था, राजस्थान में एक युद्ध हुआ और युद्ध में पराजित किया बैरम खां को, और कैद करके फिर अकबर के सामने लाया। और अकबर के सामने जब बैरम खां को लाया गया तो अकबर का सम्मान करते हुए अकबर को नमस्कार किया बैरम खां ने। अकबर ने कहा देखो भाई आपके पास दो रास्ते हैं, या तो सीधे सीधे मक्का की यात्रा पर जल्दी से निकल जाओ, देर मत लगाओ, आराम से मत जाओ, बहुत जल्दी से निकल जाओ, और या तो हमारे दरबार में व्यक्तिगत सलाहकार का पद ले लो, आराम से कुर्सी पर बैठे रहो, काम करते रहो। तो बैरम खां ने पुनः कहा कि नहीं मैं मक्का की यात्रा पर जा रहा था, वहीं जाऊंगा। अब पुनः ये बैरम खां मक्का की यात्रा पर निकल गया। मक्का की यात्रा पर निकल गया, दोबारा मक्का की यात्रा पर निकल गया, लेकिन ये गुजरात पहुंचा इस बार, और गुजरात में एक स्थान है और आज भी है, पाटन। इस स्थान पर पहुंचा, पाटन नामक स्थान पर पहुंचा, इसी पर विश्राम कर रहा था, इसी स्थान पर, ध्यान से समझिएगा, इसी स्थान पर यह विश्राम कर रहा था। इसी समय एक पठान था, एक अफगानी था जिसका नाम था मुबारक खान। क्या नाम था? मुबारक खान। जब इस बैरम खां को देखा तो इसने पहचान लिया, क्योंकि क्योंकि इस बैरम खां ने इसके पिता की हत्या की हुई थी। अब तो ये तुरंत इसने अपना सीना तान के अब सोचा कि बदला ले लेता हूं, मौका मिला है, बैरम खां आराम कर रहा था,
और सही बात, मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों के सामने मौका है कि यूपीएससी में आईएएस बन जाइए, वैकेंसी आएगी इस साल, कुछ ज्यादा ही वैकेंसी आने वाली है, तो एक बड़ा मौका है, तैयारी शुरू कर दीजिए जो लोग तैयारी ना कर रहे हो। तो मुबारक खान को मौका मिल गया। कहते हैं मंजिल दरवाजे पर आती जरूर है कभी ना कभी, मंजिल दरवाजे पे चल के आती जरूर कभी ना है, लेकिन आपको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो लौट जाती है। इसने पहचान लिया, मुबारक खान ने पहचान लिया और मंजिल इसके दरवाजे पर चल के आई है, आती है। मैं आपको बताऊं, हमारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे घर में कुछ ऐसे लोग हैं, वो नौकरी का पीछा नहीं कर रहे हैं, नौकरियां उनका पीछा कर रही हैं। चार पांच नौकरी पा चुके हैं, कभी झारखंड पीसीएस में होता है, कभी यूपी पीसीएस में होता है, कभी उत्तराखंड पीसीएस में होता है, पूछिए मत। तो ये आप लोगों के सामने भी ऐसा समय आने वाला है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेहनत करेंगे तब। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, मेहनत सबसे बड़ा गुण है, तलवार है वो। तो यहां पे एक तिथि है 31 जनवरी, ये तो तिथि जो है ना वो गलत है, इसको आप कर लीजिए 1560। 31 जनवरी 1560 ईस्वी को मुबारक खान ने पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी, क्योंकि बैरम खां ने इसके पिता की हत्या की हुई थी। जब इस बैरम खां की हत्या इसने कर दी, तो इस समय बैरम खां के साथ में बैरम खां का पुत्र रहीम दास था और बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम थी। अकबर को सूचना मिली कि मुबारक खान ने बैरम खां की हत्या कर दी है, तो अकबर ने अपने दरबार से एक शाही सेना पाटन भेजी और शाही सेना के संरक्षण में रहीम दास और बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम और बैरम खां के 100 को लाया गया अकबर के दरबार में। उसके 100 को दफनाने के बाद में अकबर ने अपने 9 ज्वेल्स में 9 रत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना को जगह दे दी। यही वो रहीम दास हैं जो अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि अकबर प्रदान करता है और अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद देता है। और जो बैरम खां की पत्नी है, वो जो बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम है, उनसे अकबर अपना विवाह कर लेता है। उनसे अपना क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। बताइए, अपने से दूनी उम्र की महिला से विवाह कर रहा है अकबर। कई लोगों ने विवाह किया, शेरशाह ने विवाह किया। शेरशाह को पढ़ाऊंगा मैं आपको, शेरशाह को पढ़ाऊंगा। बैरम खां के पुत्र रहीम को अकबर ने अपने दरबार में एक पद प्रदान किया, जबकि इसकी माता सलीमा बेगम से अकबर ने अपना निकाह कर लिया। विवाह को निकाह कहा जाता है। इसके बाद में पंद्रह सौ साठ में जब बैरम खां का खात्मा हो गया, तो बैरम खां के चंगुल से जब निकला अकबर, तो अकबर फंस गया अपने दरबार की महिलाओं के चंगुल में। इसीलिए 1560 से 64 के समय को अकबर के समय में पर्दा शासन या पेटी कोट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। अब अकबर महिलाओं के संरक्षण में शासन करेगा। अकबर इस समय काल में अपने प्रशासनिक कृत्यों हेतु केवल हरम की स्त्रियों पर निर्भर हो गया था। इस समूह में कितने सदस्य थे, इनको देखिए। माहम अनगा थी, ये वकील थी, सेक्रेटरी थी, साधारण महिला नहीं थी ये। ये अकबर के कान कुछ ज्यादा ही भरती थी। इसके अलावा पीर मोहम्मद था और इसमें आदम खां था, ये दोनों माहम अनगा के पुत्र थे। पूरा परिवार माहम अनगा ने अपना यहां पे बिठा रखा है। और ये मुनीम का था और हमीदा बानो बेगम थी इसमें, अकबर की माता, सगी माता।
यानी कि ये जो अतका खैल ग्रुप है या पेटीकोट गवर्नमेंट है, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? कुल यहाँ पे आपको 5 सदस्य मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सदस्य इसमें शामिल। अब इससे थोड़ा और पूर्व हम लौटते हैं और पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं। एक बार पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा पानीपत का युद्ध पढ़ने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। जब हुमायूं की मृत्यु होती है, दिल्ली के शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के, तो अकबर इस समय कलानौर में रहता है, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित है। अकबर के साथ में बैरम खां रहता है। तो जब हुमायूं की मृत्यु होती है, तो इस समय जो अफगान शासक आदिल शाह है, उसका सेनापति है उसका सेनापति है हेमू। हेमू इस समय हुमायूं की मृत्यु का फायदा उठा के दिल्ली पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लेता है। जब दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और अकबर इस समय पंजाब के गुरदासपुर में है, वहां वो अपना राज्याभिषेक कर लेता है। इसी समय कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि जो हेमू है वो बहुत बड़ा योद्धा है, वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, वो अपनी योग्यता के हिसाब से बहुत आगे बढ़ा है। उससे टकराने का मतलब अपने प्राण गंवाने से कम नहीं है। वो बहुत बलशाली योद्धा है, पृथ्वीराज चौहान की तरीके से है वो। अब इसी समय कहते हैं जिसने खास करके इस समय हेमू की पैरवी की थी, उसका तुरंत सर कटवा दिया बैरम खान ने। इसीलिए मैंने कहा बैरम खान दम्भी था, अचानक निर्णय ले लेता था, लेकिन उसका यह निर्णय उपयोगी रहा। क्यों? क्योंकि अकबर के खिलाफ में वो आवाज उठा रहा था और बैरम खां को यह पसंद नहीं था। तो यह काम करके बैरम खां ने यह दिखा दिया कि अकबर के खिलाफ बैरम खां एक भी आवाज पसंद नहीं करेगा। और अपनी तैयारी शुरू कर दी, सेना को सजाना शुरू कर दिया। उधर से अकबर चल रहा है, वो तो पंजाब में अकबर है ही है, और इधर दिल्ली से पानीपत कोई बहुत दूर नहीं है, प्रसिद्ध युद्ध का मैदान है। उधर से अकबर पहुंच गया पानीपत में, इधर से हेमू को जब पता चला तो हेमू भी पहुंच गया पानीपत में। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हो रहा है। ये द्वितीय युद्ध कब हो रहा है भाई? तो द्वितीय युद्ध जो हो रहा है वो 5 नवंबर 1556 को हुआ। पहला युद्ध 1526 में हुआ था, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तीनों युद्ध को याद कर लीजिए, मैं एक बार पुनः बता देता हूं पानीपत के तीनों युद्धों को, पानीपत के तीनों युद्धों को, जिससे यह युद्ध आपको याद हो जाए। फर्स्ट बैटल हो रहा है पानीपत का, यह हो रहा है 1526 ईस्वी में। सेकंड बैटल पानीपत का हो रहा है, यह है 1556 ईस्वी में हो रहा है। थर्ड बैटल पानीपत का हो रहा है, यह 1761 ईस्वी में हो रहा है। इसमें एक तरफ बाबर है और दूसरी तरफ कौन है? इब्राहिम लोदी है, और इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हो जाता है और बाबर जीत जाता है। जो दूसरा युद्ध है 1556 में हो रहा है, इसमें एक तरफ अकबर है, यह युद्ध जीत जाता है, और दूसरी तरफ कौन है? हेमू है। ये हेमू क्या है? हेमू हिंदू है, और यह युद्ध में पराजित हो जाता है। जो तीसरा युद्ध है ये है अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक है, अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक है, यह युद्ध में विजयी हो जाता है, और दूसरी तरफ कौन रहते हैं? मराठा रहते हैं, ये मराठा इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। तो ये पानीपत के तीन युद्ध हैं, जल्दी से इसका रिवीजन कीजिए आप सभी लोग, जल्दी से इसका रिवीजन कीजिए, इन तीन युद्धों का फटाफट रिवीजन कीजिए, देर मत लगाइए, जल्दी से इसका रिवीजन कीजिए, देर नहीं लगाना है।
जल्दी से रिवीजन कीजिए, देर मत लगाइए। जल्दी से इसका रिवीजन कीजिए आप सभी लोग। तीनों पानीपत के युद्धों का रिवीजन कीजिए, कभी जिंदगी में ये भूलना नहीं चाहिए, कभी जिंदगी में ये भूलना नहीं चाहिए। तीनों पानीपत का युद्ध, ये भी हाँ याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ इसमें अकबर था, ये मुगल शासक था, और इसका साथ दे रहा था कौन, ये बैरम खां दे रहा था, ये सिया था, और अकबर को इसमें विजय मिल गई। दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ आदिल शाह था, ये अफगान शासक था, और इसका प्रधानमंत्री था हेमू, ये हिंदू था, और हिंदू में क्या था, बनिया था। और यह इस युद्ध में क्या हो गया था, यह इस युद्ध में पराजित हो गया था, हार गया था। कहते हैं दोनों मैदान में पहुंच गए और दोनों ने अपनी सेना सजाई, और हाथियों की सेना थी, घुड़सवारों की सेना थी, लेकिन अचानक अकबर के एक सेनापति ने एक तीर चलाया और ये तीर हेमू की आंखों में लग गया। जब आंखों में लग गया तो हेमू लड़खड़ाया। दोबारा पलटवार करते हुए हेमू का जो हाथी था उसके मस्तक पर तीर चला दिया, लेकिन फिर भी जो हेमू का हाथी था उसने किसी भी तरीके से अपने अपने स्वामी को क्या किया, युद्ध के मैदान से बाहर ले गया। लेकिन कुछ समय बाद ही हेमू की मृत्यु हो गई थी। तो कहते हैं हेमू की आंखों में तीर लगना हेमू का दुर्भाग्य था, जबकि अकबर का सौभाग्य था। शायद हेमू की आंखों में अचानक तीर नहीं लगा होता तो अकबर जैसा शासक भारत में पनपता भी नहीं। हेमू, ध्यान रखिएगा, ये आदिल शाह का क्या है, आदिल शाह का प्रधानमंत्री है। कुछ बातें इस युद्ध के बारे में। यह जो पानीपत का युद्ध था इसका एक बहुत बड़ा इतिहासकार प्रत्यक्षदर्शी था, साहित्यकार प्रत्यक्षदर्शी था, बहुत महत्वपूर्ण बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और इसका जो प्रत्यक्षदर्शी था वो था आरिफ कंधारी। आरिफ कंधारी इस युद्ध का आंखों देखा विवरण देता है। आरिफ कंधारी इस युद्ध का आंखों देखा विवरण देता है। स्पाइडरमैन साहब थोड़ा थम जाओ बालक, वो तो मानो ही ना। ये लोग तो कहते हैं आप तो बहुत मेहनत करते हो, हाँ एक बार पढ़ाई करो, देखो मजा आने लगेगा पढ़ाई करोगे तो। नहीं, धोखे से नहीं, तीर लगा तो धोखा क्या, तीर लगा उसमें धोखा क्या, तीर तो चल रहा है, कहीं भी लग सकता है, आंखों में लगेगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो दूसरा व्यक्ति कैसे तीर चलाएगा। ठीक, हाँ लाइक भी करते रहिए और 500 कम से कम पहुंचा दीजिए जल्दी से आप लोग, एक बार शेयर कर लीजिए क्लास को, 500 पहुंचना ही चाहिए आज, बड़ी तवज्जो देता हूं आप लोगों को। इसके अलावा कहीं भी अकबर को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये वादा है। अकबर क्या, जो भी मैं इतिहास पढ़ाऊंगा आपको कहीं पढ़ना भी नहीं पड़ रहा होगा, आप लोग फील भी करते होंगे। हाँ तो थोड़ा संख्या को बढ़ाइए, आप लोगों के हाथ में है। तो यहां पे देखो आरिफ कंधारी जो था वो पानीपत के द्वितीय युद्ध का आंखों देखा विवरण देता है, पहले नहीं, ध्यान रखना, तीसरे नहीं, द्वितीय युद्ध का आंखों देखा विवरण देता है आरिफ कंधारी, जो बहुत बड़ा साहित्यकार और इतिहासकार है। युद्ध के पूर्व बैरम खान ने तर्दी बेग की हत्या करवा दी थी, यही हेमू के पक्ष में बोल रहा था तर्दी बेग, ये अकबर का सेनापति था, लेकिन इसकी हत्या करवा के बैरम खान ये दिखाना चाहता था कि अकबर के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल नहीं सकता।
तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किसकी हत्या करवाई थी बैरम खान ने पानीपत के युद्ध के पहले, तो तर्दी बेग की हत्या करवाई थी। ये तोपची भी था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सेनापति भी था, कमांडर इन चीफ भी था और तोपची भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हेमू रेवाड़ी का निवासी था, हेमू रेवाड़ी रेवाड़ी का निवासी था, रेवाड़ी हरियाणा में है और ये बनिया था। और ये जो रेवाड़ी की बाजार थी ना, यहाँ पे नमक बेचा करता था, लेकिन अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा, अपने बाहुबल के द्वारा अफगान शासक आदिल शाह का यह प्रधानमंत्री बन गया था हेमू। ये बनिया था, हिंदू था। एक खास बात और, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये 14वां शासक था भारत का। प्राचीन काल से लेके मध्य भारतीय इतिहास तक ये 14वें नंबर का शासक था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, 15वें नहीं 14वें नंबर का शासक था। और ये अंतिम व्यक्ति था, अंतिम व्यक्ति नहीं अंतिम हिंदू था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और 14वां हिंदू था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अकबर का जो समय काल है, अकबर के समय काल में हुए कुछ विद्रोहों को हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग अकबर की राजपूत नीति को पढ़ेंगे। तो अकबर के प्रारंभिक समय काल से लेकर अंतिम समय काल तक कुछ लोगों ने विद्रोह किया। इसमें सबसे पहला विद्रोह अब्दुल्ला खां उज्बेक का है, उज्बेक सरदारों ने विद्रोह किया। ये मध्य एशिया का एक शासक वर्ग है उज्बेक, और काफी ताकतवर शासक वर्ग के रूप में है। इसमें अब्दुल्ला खां उज्बेक ने अकबर के खिलाफ 1564 में विद्रोह किया। जैसे ही पेटीकोट गवर्नमेंट खत्म हुई तैसे ही ये देखो 1564 में क्या किया इस अब्दुल्ला खां उज्बेक ने, विद्रोह कर दिया। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अकबर के समय काल में पहला विद्रोह किसने किया, तो इसी अब्दुल्ला खां उज्बेक ने 1564 ईस्वी में इसी ने पहला विद्रोह किया, पहला विद्रोह इसी ने किया। ये अब्दुल्ला अकबर का विश्वासपात्र अधिकारी था, परंतु यह लोभी था। क्या था? लोभी था। तो इसके लोभी पने के कारण अकबर ने दरबार से इसको निकाल दिया। जब निकाल दिया तो अकबर के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया। फिर अकबर ने इसके विद्रोह को क्या किया? समाप्त किया। किसके माध्यम से? बहादुर खान नामक अपने सेनापति को अकबर ने भेजा और बहादुर खान ने इस अब्दुल्ला खान उज्बेक के विद्रोह को शांत कराया था। ध्यान रखिएगा, ये पहला विद्रोह है जो 1564 ईस्वी में होता है। दूसरा विद्रोह बलूचियों का विद्रोह है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बलूची मतलब बलूचिस्तान के आसपास के लोग, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, और जो पठान लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे अपने हैं, आज भी वो अपने लिए बोलते हैं, आपके देश के लिए, हमारे लिए बोलते हैं, आपके लिए बोलते हैं। लेकिन मूलतः ये अफगानी हैं। तो इन लोगों ने अकबर के समय में विद्रोह किया था 1585 में, 1585 ईस्वी में विद्रोह किया। और इन्होंने काबुल की विजय के बाद बलूचियों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। जैसे अकबर ने जब काबुल की विजय की, अकबर के पितामह यानी पिता के पिता बाबर ने भी काबुल की विजय 1504 ईस्वी में की थी। तो अकबर के पितामह के साम्राज्य में काबुल था, इसलिए अकबर ने भी काबुल के ऊपर आक्रमण किया और इसकी विजय की। तो ये जो बलूची थे ये नाराज हो गए और नाराज होकर अकबर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह जब कर दिया तो इन बलूचियों के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अपने कई सेनापतियों को भेजा था और साथ में बीरबल साहब को भेजा था। और इसी समय 1585 ईस्वी में ये जो बीरबल थे, जो अकबर के नाइन ज्वेल्स में शामिल थे और नाइन
नाइन ज्वेल्स यानी नौ रत्नों के मुखिया बीरबल साहब ही थे, ये भी ध्यान रखिएगा। जो नौ सदस्य होते थे नौ रत्नों में, उस नौ सदस्यों नौ रत्नों के मुखिया बीरबल साहब ही थे। ये है पहले और आखिरी हिंदू हैं जिन्होंने अकबर के दीन इलाही नामक धर्म को स्वीकार किया था, और किसी ने स्वीकार नहीं किया। और इनकी मृत्यु इसी विद्रोह बलूचियों के विद्रोह को दबाते समय 1585 में हो गई थी। इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी है, इसको ध्यान रखना आप लोग। बाद में मान सिंह ने इस विद्रोह को समाप्त किया। जो मान सिंह हैं, जो कछवाहा राजा मान सिंह हैं, मान सिंह अकबर के सेनापति बन गए थे। और मान सिंह को अकबर की कई विजयों का श्रेय जाता है। फिर मान सिंह बलूची क्षेत्र में गए और अफगानी बलूचियों के विद्रोह को समाप्त करवा दिया। एक और विद्रोह है शाहजादा सलीम का विद्रोह। जो शाहजादा सलीम है वो अकबर का पुत्र ही है। बड़ी मन्नतों के बाद इस सलीम का जन्म हुआ था। अकबर को बड़े दिनों तक किसी भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। चिंता में आ जाते हैं माँ बाप, स्वाभाविक है, क्योंकि जो विवाह होता है ना वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए होता है। और पुत्र रत्न की जब प्राप्ति हो जाती है तो ये माना जाता है हमारे यहाँ कि पुत्र ही अपनी संस्कृति को, अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है। अकबर बिना सूच के, बिना स्लीपर के फतेहपुर सीकरी में स्थित ख्वाजा सलीम चिश्ती की मकबरे पर जाता था, दर्शन करता था, फरियाद मांगता था, फरियाद करता था, आशीर्वाद मांगता था कि हमें जल्दी से किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। तो बड़ी मन्नतों के बाद अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम ही रखा था। अकबर बड़े प्यार से इस सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। यही वो सलीम है जिसका नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, यानी विश्व विजेता। इतनी मन्नतों से पाया अकबर ने, और स्वयं अकबर के खिलाफ यह विद्रोह कर रहा है। और कब विद्रोह किया? 1599 में। काफी दिनों तक इसने विद्रोह किया। सलीम बिलासी प्रकृति का था और इसको आराम बहुत पसंद था। ये कुछ करता वर्ता नहीं था, सीधे अपना आराम पसंद था और बिलासी भी था। कई महिलाओं से विवाह करता है। सलीम के पिता की ये सलीम पिता के आदेश को ना मानकर ये प्रयागराज चला गया था। बहुत अपडेट नोट्स है, बिल्कुल ताजा है आप लोगों के लिए। तो ताजा है तो भोजन करने में मजा आएगा, फिर तो खाइए गरम गरम, पीडीएफ अभी मिल जाएगा, रोका किसने है। रोका किसने है? किसी ने नहीं रोका, ना घर वालों ने रोका, ना बाहर वालों ने रोका। जितना मन कहे 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं, 8 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं, स्थिर रह के पढ़ाई कर सकते हैं, दिमाग लगा के पढ़ाई कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आप देखिए पढ़ाई करके। तो प्रयागराज चला गया था, लेकिन इसने 1601 में सलीम ने पुनः विद्रोह कर दिया। अंत में पुत्र के व्यवहार से दुखी होकर अकबर ने अबुल फजल को बुलवाया अपने दरबार में। सलीम के विद्रोह से काफी दुखी हो गया अकबर और अबुल फजल को बुलाया। अबुल फजल को जब बुलाया तो अबुल फजल को भेजा कि सलीम के विद्रोह को समाप्त कीजिए। तब तक जहांगीर को पता चल गया कि अबुल फजल उसके विद्रोह को समाप्त करने के लिए आ रहा है। तो जहांगीर ने एक बुंदेला सरदार था जो बुंदेलखंड का निवासी था, जिसका नाम था बीर सिंह बुंदेला। बीर सिंह बुंदेला को इशारा कर दिया कि अबुल फजल साहब आ रहे हैं, रास्ते में मिलिए और खात्मा कर दीजिए उनका। तो ये ओरछा के राजा बीर सिंह देव ने जहांगीर के इशारे पर अबुल फजल की हत्या 1602 में कर दी। ये महत्वपूर्ण है, 1602 अबुल फजल की हत्या कर दी जहांगीर के इशारे पर।
वीर सिंह बुंदेला ने कर दी, ये ओरछा का सरदार है, बुंदेलखंड का सरदार है। लेकिन कालांतर में कुछ समय के बाद सलीम आगरा दरबार में उपस्थित हुआ, नतमस्तक हो गया अकबर के समय सामने, और अकबर के सामने नतमस्तक हो गया तो अकबर ने इस सलीम को पुनः माफ कर दिया। और फिर 1605 में अकबर की जब डेथ हो जाती है तो सलीम अब कुछ दिनों बाद बादशाह बन जाता है। तो बात है कि अबुल फजल कौन था, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसके पिता का नाम था शेख मुबारक। अबुल फजल के पिता का नाम था शेख मुबारक, और ये जो शेख मुबारक था इसके दो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था अबुल फजल और छोटे पुत्र का नाम था फैजी, अबुल फैजी। ये दोनों अकबर के 9 ज्वेल्स यानी 9 रत्नों में शामिल थे। तो जब शेख मुबारक अकबर से मिला तो अकबर शेख मुबारक और इसके दोनों पुत्रों से बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ा प्रभावित हुआ। ये अबुल फजल तो एक तरीके से काफी योग्य है, इतिहासकार है, ये साहित्यकार है, कई भाषाएं इसको आती है। फैजी भी चतुर और चालाक है, साहित्यकार। दोनों को अकबर ने अपनी सेवा में ले लिया, और यही वो अबुल फजल है जिसकी हत्या 1602 ईस्वी में जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला कर देता है, और फैजी बचा रहता है, ध्यान रखना। तो इन दोनों के पिता का नाम क्या है? शेख मुबारक है, इसका ध्यान रखना आप सभी लोग। तो ये विद्रोह हो गए। अब सीधे आते हैं और हम लोग अकबर की राजपूत नीति को देखते हैं, बड़े इंटरेस्टेड तरीके से इसको पढ़ाएंगे, एक अलग तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अकबर की राजपूत नीति यानी मुगलों की राजपूत नीति, सभी मुगलों की राजपूत नीति का अध्ययन करेंगे, किसी भी मुगल शासक को छोड़ेंगे नहीं यहां पे। तो अगर मुगलों की राजपूत नीति के सामान्य परिचय के बारे में हम लोग देखें तो मुगलों की राजपूत नीति ऐतिहासिकता से भरी पड़ी हुई है। अकबर बड़ा चालाक आदमी था, अकबर बड़ा सातिर आदमी भी था, होशियार भी था। भारत में जो राजपूत शासक थे वो शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे, बाहुबली शासक के रूप में स्थापित थे, भुजाओं में बड़ा बल होता है। अकबर के पास इतनी ताकत और क्षमता नहीं थी कि वो सभी राजपूत शासकों को पराजित कर देता और राजस्थान पे कब्जा करके शासन करता। तो अकबर ने सोचा कि क्यों ना एक मिडल पाथ का रास्ता अपनाया जाए और राजपूतों को अपना भक्त बना लिया जाए, और भक्त बना के हमें भी फायदा होगा और राजपूतों को भी फायदा होगा। तो अकबर ने जिस उदारवादी राजपूत नीति का विकास किया उसका अकबर को भी फायदा हुआ और राजपूतों को फायदा हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये राजपूतों और अकबर दोनों के लिए ऐतिहासिक महत्व से भरी पड़ी हुई। अगर राजपूत नीति की बात करें तो इसकी शुरुआत धीरे से बाबर के समय में ही हो जाती है, लेकिन बाबर की राजपूत नीति आक्रमणकारी है, वो आक्रमण में विश्वास करता है। हुमायूं को टाइम ही नहीं मिला, तो इसको राजपूत नीति को विकास जो करता है, जो स्थापित करता है, वो मुगल बादशाह अकबर ही करता है। यानी वास्तविक रूप से इस राजपूत नीति की शुरुआत अकबर के समय में हुई, जहांगीर ने इसे आगे बढ़ाया, शाहजहां ने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, औरंगजेब ने अन्य तरीके से इसमें परिवर्तन किया। तो ये जो राजपूत नीति है इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, क्यों राजपूत नीति का विकास अकबर करता है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोग ये समझिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो आपसे विनती की, आग्रह किया, प्रार्थना किया, वो आप लोगों ने स्वीकार किया और निश्चित रूप से 500 लाइव हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। पढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथियों के बीच में, अपने ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, स्टेटस वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए लगातार।
ध्यान से समझिएगा। ये जो अकबर है हमने कहा सातिर है, चालाक है, साधारण आदमी नहीं है, साधारण मानव नहीं है। इसने राजपूत नीति का विकास इसलिए किया क्योंकि भारत में जो मुस्लिम है वो अभी कम है, हिंदू ज्यादा है। तो यानी अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम है और बहुसंख्यक के रूप में हिंदू है। तो अकबर जब शासक बना तो बहुसंख्यक प्रजा के बीच में यानी हिंदुओं के बीच में जाना चाहता है और हिंदुओं के बीच में ये लोकप्रिय बनना चाहता है, हिंदुओं का भी नेता बनना चाहता है, इसलिए इसने राजपूत नीति का विकास किया। दूसरे अफगानों की सत्ता को चुनौती देना चाहता था, राजपूतों को अपना मित्र बनाना चाहता था। ये देखिए ये जो आपका ये राजस्थान का एरिया है, राजपूत शासकों को अपना मित्र बनाना चाहता था। और ये जो अफगानिस्तान है, यहां के शासक इस अकबर के दिल्ली के ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हैं। अकबर की हिम्मत नहीं है कि उससे टक्कर ले लें अफगानों से, और उज्बेक शासकों से अकबर की हिम्मत नहीं है कि पूरे मध्य एशिया के शासकों से टक्कर ले लें और सभी मध्य एशिया के शासक अकबर के ऊपर आक्रमण करके अकबर को समाप्त करना चाहते हैं। तो अकबर एक शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। अकबर चालाक है, वो देखता है कि भारत में ही बाहुबली लोग हैं, राजपूत हैं, हिंदू हैं, तो इनके सामने सर झुका के इनका साथ ले लिया जाए, यही है चतुराई। अकबर ने ऐसा ही किया, राजपूतों का साथ ले लिया। जब राजपूतों का साथ ले लिया तो मध्य एशिया और भारत की जो शक्तियां हैं उनके बीच में आपको एक संतुलन स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा, एक शक्ति संतुलन स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अकबर और मध्य एशिया के शासक अब बराबर की स्थिति में आ गए। आगे देखिए और क्या कारण है। राजस्व के दृष्टि से अकबर बहुत चतुर था, चालाक था। राजस्व के दृष्टि से राजपूताना क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण था। जो अजमेर है, जो उदयपुर है, जो बीकानेर है, जो बूंदी है, जो कोटा है, राजस्व बहुत प्राप्त होता था इस क्षेत्रों से। तो राजनीति के अंदर अंदर अकबर राजपूताना क्षेत्रों के राजस्व पर भी नजर रखता था, इसलिए भी राजपूत नीति का इसने विकास किया। अब ये जो राजपूत नीति है इसके तत्व क्या हैं, इसको देखिए। अकबर ने जब राजपूत नीति का विकास किया तो अकबर ने कहा कि मैं कुछ बातों को मानूंगा आपकी और आप हमारी कुछ बातों को मानिए। तो अकबर ने कहा कि जिस मध्य मार्ग का विकास हमने आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में किया है उसमें कुछ बातों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो राजपूतों ने जो स्वीकार किया वही मुगल राजपूत नीति की विशेषता या मुख्य तत्व के रूप में। इसमें ये जो राजपूत शासक हैं, सभी राजपूत शासक ये मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार करेंगे। संप्रभुता का मतलब यह है कि मुगल सम्राट अकबर को शासक के रूप में स्वीकार करेंगे। किसके रूप में स्वीकार करेंगे? शासक के रूप में स्वीकार करेंगे, ध्यान रखना। आएंगे अभी सुरुचि, वहां पे भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अकबर की क्लास थोड़ा सा लंबी होगी, बड़ी क्लास होगी, चिंता मत कीजिए, सारे पहलुओं को पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ते नहीं हैं हम। अनन्या बहुत दिन के बाद दिख रही हैं आज, अच्छी बात है। और कौन पुराने लोग आज शामिल हुए हैं भाई, सभी को हमारी तरफ से सलाम, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मुझे पता चल जाता है सब, कम से कम 1000 लोगों का नाम तो याद ही हो गया है। क्यों रोहन,
थोड़ा आगे बढ़ेंगे जल ग्रहण करने के बाद में, तब तक देखिए नजराना शब्द लिखा हुआ है। क्या होता है नजराना, क्या होती है पेशकश, बताते हैं अभी आपको। क्या होता है नजराना भाई? ये जो राजपूत हैं ये समय समय पर अकबर के दरबार में उपस्थित होंगे। अभी ये मत समझिएगा कि राजपूत नीति एक तरफा है, एक तरफा नहीं है, दोनों को फायदा होगा इससे। अब राजपूतों ने जो बातें स्वीकार की उसको एक तत्व के रूप में बता रहा हूं, विशेषता के रूप में बता रहा हूं। निर्धारित पेशकश, निर्धारित यानी अकबर ने निर्धारित किया कि आपको इतनी पेशकश देनी पड़ेगी, इतना नजराना देना पड़ेगा, इतना रेवेन्यू देना पड़ेगा, इतना उपहार देना पड़ेगा और सैनिक सेवा भी प्रदान करना पड़ेगा। सैनिक सेवा प्रदान करेंगे तो इससे अकबर को भी फायदा होगा और उनको भी तनख्वाह मिलेगी तो उनको भी फायदा होगा। हम लोग तो अंग्रेजों की सेना में भी भर्ती हो गए थे। और कभी भी अगर राजपूताना क्षेत्र में कोई संघर्ष होता है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, कोई विवाद की स्थिति होती है तो मुगल शासक यहां पे क्या करेगा? मध्यस्थता करेगा। कौन मध्यस्थता करेगा? मुगल शासक अकबर मध्यस्थता करेगा, बीच बचाव करेगा। और ये जो संधि हो रही है राजपूतों और अकबर के बीच में, ना तो अकबर इस संधि को भंग करेगा, ना तो कभी राजपूत लोग इस संधि को भंग करेंगे। और अकबर के समय हुआ भी ऐसे ही, इसीलिए तो अकबर महान बन गया, इसीलिए तो महान आत्मा के रूप में जाना जाता है, इसीलिए तो अर्श आसियानी जहांगीर ने कहा कि अकबर तो स्वर्ग में रहता है। दूसरी तरफ अकबर ने भी कुछ दायित्वों को स्वीकार किया देखिए, और राजपूत शासकों को कुछ आश्वासन दिया। कहा अकबर ने कि देखो शासक के रूप में मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके वंश की रक्षा करूंगा, कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, मैं आपके वंश की रक्षा करूंगा, उसके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। इसके बाद में देखो और क्या कहता है, मुगल सेना में बिना किसी पक्षपात के आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जितना भी आप योग्य होंगे आपकी योग्यता के आधार पर मुगल सेना यानी मनसबदारी प्रथा में आपको नेतृत्व दिया जाएगा, कोई पक्षपात आपके साथ नहीं किया जाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक मामले में भी हस्तक्षेप किया जाएगा, हस्तक्षेप नहीं, राजपूतों के हिंदू मामले में, हिंदू धर्म में किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यहां तक कि अकबर ने जब कछवाहा राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई या हरखाबाई से विवाह किया तो जोधाबाई का एक अलग महल फतेहपुर सीकरी में बनवाया और जोधाबाई के महल के अंदर में मस्जिद था, नीम का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, केले का पेड़ था। जोधाबाई के महल में गाय रहती थी। जोधाबाई के पूजा पाठ में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। जरा आप सोचिए, यही है अकबर की महानता का रहस्य। इसके अलावा मुगल सेना अनाक्रमण की स्थिति में होगी। अनाक्रमण की स्थिति में मतलब कभी भी मुगल सेना राजपूताना क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेगी। अब इन शर्तों को लागू करने के लिए राजपूत नीति के जिस पहले पक्ष को अकबर ने अपनाया उसका पहला माध्यम वैवाहिक था। अकबर ने सभी राजपूताना क्षेत्र में एक पत्र के माध्यम से कह दिया कि सभी राजपूत राज्य के शासक हमसे विवाह कर सकते हैं। इसमें कई राजपूत शासक अकबर से मिले और अपनी लड़कियों का कन्यादान किया। जिन लोगों ने इनकार किया उनके साथ में अकबर ने वार्तालाप या समझौतावादी नीति अपनाया और अपनी इस नीति के तहत अकबर ने सभी राजपूताना क्षेत्र में एक राजदूत भेजा और अपने नाम का पत्र भेजा
और इस नीति के माध्यम से कहा कि आप सभी लोग हमारी संप्रभुता को स्वीकार कर लीजिए, हमें शासक के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अब अकबर महान के इस नीति का ध्यान रखते हुए राजपूताना क्षेत्रों में बूंदी है, कोटा है, और कई राजपूत क्षेत्र हैं, उसने अकबर की स्वामी भक्ति को स्वीकार कर लिया। अब कुछ ही राजपूत क्षेत्र हैं जो अकबर की इस शर्त को नहीं मानते, तो अकबर क्या करता है, उनके लिए एक अगला जो रास्ता बचता है वो यही बचता है, इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। तो अकबर ने आक्रमणकारी रुख अपनाया, यानी उनके ऊपर आक्रमण किया। इस आक्रमण को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध आमेर के कछवाहा राजा भारमल ने अपनाया था। इन्होंने 1563 में अपनी पुत्री जोधाबाई उर्फ हरखाबाई का विवाह कर दिया था। उसके बाद में ये राजदूत भेजा, परिणाम स्वरूप चाहे बूंदी हो, कोटा हो, डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, ये जितनी भी रियासतें हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अकबर की स्वामी भक्ति को स्वीकार कर लिया। 1569 ईस्वी में बीकानेर ने भी, जैसलमेर ने भी और जोधपुर ने भी अकबर को सपोर्ट किया, स्वीकार तो नहीं किया लेकिन समर्थन किया। इसके बाद में नंबर आ गया चित्तौड़ का, और यहां का अकबर का जो समकालीन शासक है वो है उदय सिंह, इसने अकबर की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो अकबर को मिला वह उदय सिंह को मिला। इसके बाद यहीं के शासक राणा प्रताप बनते हैं, और राणा प्रताप से ही हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध होता है जो फतेहपुर सीकरी के करीब ही है। तो अकबर के आक्रमणकारी रुख को हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। उदय सिंह के बाद इसका पुत्र राणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना। 15 जून 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को पराजित कर दिया। भारतीय इतिहास में हम यही पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान के इतिहास में ऐसा माना जाता है कि राणा प्रताप ने अकबर को पराजित किया, इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यूपीएससी में कहीं प्रश्न पूछे तो ऐसा मत कर दीजिएगा, अकबर ही पराजित किया था राणा प्रताप को, ये ध्यान रखिएगा। अब ये अकबर की राजपूत नीति के कुछ नकारात्मक तत्व हैं आपके सामने, कुछ सकारात्मक हैं। यानी भाई किसी भी बिंदु के कुछ नकारात्मक पक्ष आते ही हैं, कुछ सकारात्मक आते हैं। तो देखो, दोनों के मध्य संबंधों का आधार और गठबंधन का आधार मजबूत नहीं था, दोनों के मध्य संबंध तनावपूर्ण है, इसलिए मारवाड़ ने और गंभीर बना दिया। एक तरफ हिंदू होंगे और एक तरफ मुस्लिम होंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कटुता तो रहेगी ही, मनमुटाव तो रहेगा ही, उसको अकबर भी नहीं पाट पाया। राजपूत शासकों ने समय समय पर विद्रोह किए एवं साम्राज्य के विद्रोही तत्वों के सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया। राजपूत शासकों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किए और अकबर के विद्रोह में जनता को भी कई बार उकसाया। एक बात और ध्यान रखिए, मुगलों एवं राजपूतों के बीच में यह जो समझौता हुआ राजपूत नीति में, यह शासक वर्ग के रूप में समझौता हुआ, आम जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब तक उसमें जनता इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक वो समझौता कितने दिनों तक चलेगा, तो यह भी इसका एक नकारात्मक तत्व है, साधारण जनता इसमें शामिल ही नहीं है। लेकिन इसका फायदा भी हुआ, तो फायदा क्या हुआ इसको सकारात्मक तत्व के रूप में देखिए। राजपूत नीति में आपसी जो संबंध स्थापित हुए अकबर और राजपूतों के बीच में, इससे दोनों को लाभ हुआ, अफगानों की समस्या का समाधान हुआ। अफगानों ने अब कभी आक्रमण करने के लिए मुगल साम्राज्य पर सोचा ही नहीं, इससे ये फायदा हुआ। और क्या खास बात हुई, राजपूताना एवं मध्य भारत के क्षेत्र में मुगल प्रभुत्व स्थापित हो गया और साम्राज्य में शांति और सुदृढ़ हो गया, अस्थिरता खत्म हो गई, साम्राज्य में शांति आई, अस्थायित्व आया। इससे अकबर के साम्राज्य का क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो ये फायदे वाली बात है। और क्या फायदे वाली बात है, अदम्य साहस के धनी राजपूतों का सहयोग प्राप्त करके मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता एवं विस्तार मिला, हिंदू एवं मुस्लिम संबंधों को बढ़ावा मिला, यद्यपि संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही।
इसको जो पढ़ लेंगे ना तो ये मुख्य परीक्षा में भी काम देगा। और जो यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री वाले होंगे उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी पाठ है। इसी तरीके से पढ़ाते हैं मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट के रूप में, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। सांस्कृतिक जीवन में समन्वय स्थापित हुआ, दोनों ने एक दूसरे के रीति रिवाज को अपनाया। रीति रिवाज को अपनाया, धर्म को नहीं, रीति रिवाज को अपनाया। एक समन्वय की स्थिति बनी, एक शांति की स्थिति बनी, एक पीसफुल की स्थिति बनी। अराजकतावादी शासन समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये रही राजपूत नीति, अब मुगलों की धार्मिक नीति। इसमें सबसे पहले अकबर को देखेंगे। अकबर की धार्मिक नीति का आधार क्या है? सुलह एक कुल है, यानी सभी के बीच में जो भी संप्रदाय हैं, जो भी धर्म है, जो भी जाति हैं, जो भी वर्ग हैं, उनके बीच में अकबर आपसी सुलह करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, सबको आगे बढ़ाना चाहता है। यही अकबर की धार्मिक नीति का केंद्र बिंदु है, आधार है, बेस है। यही आधार स्तंभ है सुलह एक कुल, जिसका अर्थ है सभी प्रजा के साथ समानता एवं सहिष्णुता की स्थापना करना है। अब अकबर को प्रेरणा कैसे मिली धार्मिक नीति की स्थापना की? कहां से प्रेरणा मिली अकबर को? जैसे मैं अपनी जिंदगी में कभी यह नहीं जानता था कि आप लोगों के बीच में आऊंगा और एक्सपर्ट के रूप में आप लोगों के बीच में यह काम करूंगा, कभी नहीं जानता था। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम जिस रास्ते पे जाते हैं वो रास्ता वास्तव में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जिस रास्ते पे हम चलते हैं उसके लिए एक प्रेरणा तो कहीं ना कहीं मिलती है। हम अपने मातामही पितामही की इच्छा की पूर्ति करते हैं, हम किसी आईएएस को देखते हैं, हम किसी वीडियो को देखते हैं, वहां से प्रेरणा मिलती है। हाँ वाह भाई, इसका तो रुतबा है, इसका तो गौरव है, ये तो जो कहता है दुनिया सुनती है, लट्टू बन के दुनिया घूमती है और वह लट्टू रहता है। तो हमें आईएएस बनना है, हमें यह पद पसंद है, हमें लाल बत्ती पसंद है, हमें अपने पीछे चार गाड़ियां लेके घूमना पसंद है, हमें जिले का मालिक होना पसंद है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रेरणा व्यक्ति को तो मिलती है, लेकिन अकबर को धार्मिक नीति की प्रेरणा कहां से मिली, जरा सोचिए आप लोग। तो ये जो अकबर है अपने वंशजों से, इसका जो वंशज है वो तैमूर है और जो पूर्वज है बाबर, इससे प्रेरणा मिली। इनमें किसी भी तरीके से धार्मिक कट्टरता का अभाव दिखाई पड़ता है। ये जो अकबर है इसका पालन पोषण एक उदार वातावरण में हुआ, एक श्रेष्ठ वातावरण में हुआ। इसमें पिता सुन्नी है, मां इसकी सिया है, संरक्षक बैरम खां सिया है, अब्दुल लतीफ जो इसका पहला गुरु है वह उदारवादी विचारों वाला है। तो यहां से इसको प्रेरणा मिल रही है, राजपूतों से भी प्रभावित है, क्योंकि तो राजपूत शासक चाहते हैं कि जो अकबर की धार्मिक नीति है वो कट्टरता की ना हो, वो सहिष्णुता की हो, वो उदारता की हो। और इस समय भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन चल रहा है, एक उदारवादी धारा इन भक्ति संतों द्वारा भारत में बहाई जा रही है। सूफी संतों और भक्ति संतों से प्रेरणा लेते हुए अकबर ने उदारवादी युग का प्रारंभ किया। मेहंदी विचारधारा, इसका मतलब है ये अकबर स्वयं को अपने आप को धर्म प्रचारक के रूप में स्थापित करना चाहता है, यही है मेहंदी विचारधारा। इससे ये प्रभावित है, ये एक ईरानी विचारधारा है। जो ईरानी शासक होते हैं वो अपने को शासक के रूप में तो स्थापित करते ही हैं, और इस विचारधारा के अंतर्गत वो अपने को धर्म प्रचारक के रूप में भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना करवाया, मुस्लिम धर्म के लोगों को बुलाया, कहा कि बताओ सब लोग मुस्लिम धर्म के अच्छी अच्छी बातें क्या हैं, जल्दी से बताओ मुझे क्या हैं अच्छी बातें, राज्य का कल्याण कैसे हो सकता है, जनता का कल्याण कैसे हो सकता है इससे।
तो अकबर ने जब मुस्लिम धर्म की अच्छी और उपयोगी बातें जान ली तो 1578 में इस फतेहपुर सीकरी में स्थित इबादत खाना को सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खोल दिया, और इसमें जो श्रेष्ठ या विद्वान व्यक्ति होते थे सभी लोग आते थे और वाद विवाद या चर्चा किया करते थे। तो सभी धर्मों के लोगों को अकबर बुलाता था और श्रेष्ठ लोगों को बुलाता था। इधर जैनी बैठे, उधर बौद्ध बैठे, उधर सिख बैठे, उधर मुस्लिम धर्म और संप्रदाय के लोग बैठे, उधर अन्य संत भी बैठे। सबसे पूछता था कि जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारे धर्म में अच्छी अच्छी बातें क्या हैं, और जो अच्छी बातें बताओ उनको मैं अपने साम्राज्य में लागू करना चाहता हूं। और अकबर ने इसी समय देखा कि जो मुस्लिम धर्म में मौलवी होते हैं ना, मौलवी को जानते हो, जो मुल्ला होते हैं, मौलवी होते हैं, उनका प्रभाव इस्लामी धर्म के लोगों पर ज्यादा है। और कई बार अकबर यह मानता है कि इस्लाम धर्म के जो ये एक तरीके से धार्मिक प्रधान हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, ये लोग जनता को कई बार क्या करते हैं कि जनता को एक अलग दिशा में मोड़ देते हैं। अकबर नहीं चाहता था कि जनता प्रताड़ित हो, इसीलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद जो बनवाई थी उसके ऊपर चढ़ गया 1579 ईस्वी में, और 1579 में चढ़ के एक माइक लिया और माइक लेने के बाद में एक घोषणा पत्र जारी कर दिया और कहा कि अब धार्मिक प्रधान मैं हूं। और इसी घोषणा पत्र को महजर के नाम से जाना जाता है। तो अकबर ने 1579 ईस्वी में महजर जारी किया और महजर जारी करके धार्मिक प्रधान भी अकबर बन गया। तो यही बात है, धर्म प्रचारक भी बन गया अकबर यहीं से प्रभावित होके। अब अकबर की धार्मिक नीति का आयाम क्या है, संकल्प क्या है, उद्देश्य क्या है? अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य क्या है? आशीष, अकबर की धार्मिक नीति का क्या उद्देश्य है भाई, बताइए। लाइक करते रहिए आप सभी लोग, लाइक ही नहीं करते क्लास को आप लोग, तो बंद कर दिया जाए फिर। बताइए क्या किया जाए। तो चलिए, क्या किया जाए, बताइए बताइए क्या दिया जाए, छोड़ दिया जाए? बताइए जल्दी से। हाँ तो फिर कर लीजिए फटाफट लाइक और शेयर कर लीजिए एक बार। थोड़ा और पढ़ा दिया जाए, क्यों थोड़ा और पढ़ा दिया जाए, ना छोड़ दिया जाए ना रहने दिया जाए, थोड़ा और पढ़ा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है इस अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य, क्या है इसका संकल्प, क्या है इसका एम, आइए इसको देखते हैं। क्यों इसने विकास किया? तो ये भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता है। जैसे भारतीय राज्य का वर्तमान में स्वरूप क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसमें राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, राज्य भी किसी धर्म को विशेष रूप से संरक्षण नहीं करेगा, जबकि राज्य सभी एक आंख से सभी को देखेगा, सभी धर्मों को देखेगा। मैं आपको बताऊं, एक सिख शासक थे जिनका नाम था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने कहा कि भारत के सभी धर्मों को मैं एक निगाह से देखना चाहता हूं, इसीलिए उन्होंने अपनी एक आंख फोड़ ली थी कि मैं दो निगाह से देखना ही नहीं चाहता, मैं तो एक ही निगाह से देखना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने अपनी एक आंख को खत्म कर लिया। रणजीत सिंह कितने त्यागी पुरुष थे, जरा सोचिए आप।
शासक वर्गों एवं समाज में यह संतुलन स्थापित करना चाहता है। जो शासक वर्ग है, जो समाज है, अब जब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तो एक संतुलन स्थापित होगा, एक कम्युनिकेशन बनेगा, किसी भी धर्म को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जाएगा। प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य को यह सुदृढ़ बनाना चाहता है, और सुदृढ़ बनाने के लिए जब धार्मिक नीति कट्टरता की नहीं होगी, सहिष्णुता की होगी, तो निश्चित रूप से भारत में जो बहुसंख्यक प्रजा है वो हिंदू है, तो बहुसंख्यक प्रजा के बीच में मुस्लिम धर्म भी लोकप्रिय बन जाएगा। या मुस्लिम धर्म नहीं लोकप्रिय बनेगा तो अकबर तो लोकप्रिय बन ही जाएगा। इसके बाद में मेहंदी विचारधारा से प्रभावित है, ये स्वयं को पैगंबर घोषित करना चाहता है, ये भी ध्यान रखिए। अब अकबर की जो राजपूत नीति है, कई चरणों में अकबर ने अपनी राजपूत नीति का विकास किया। मुख्यतया तीन चरणों में इसकी राजपूत नीति को पढ़ेंगे। जो पहला चरण है वो उदारवाद से प्रभावित है। ये जो अकबर की राजपूत नीति का पहला चरण है, ये 1562 में शुरू करता है और 1574 में समाप्त करता है। अपने इसी चरण में वर्ष 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। दास प्रथा भारत के प्राचीन काल से ही विद्यमान थी, वैदिक युग में विद्यमान थी। ऋग्वेद में 9 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। सबसे ज्यादा दासों का विवरण याज्ञवल्क्य के स्मृति और नारद स्मृति में मिलता है। मनु स्मृति में भी दासों का वर्णन मिलता है, अर्थशास्त्र में भी दासों का वर्णन मिलता है। मेगस्थनीज भारत आता है, उसकी इंडिका में दासों का वर्णन नहीं मिलता। सल्तनत काल में इल्तुतमिश अपने दासों से बहुत प्यार करता था, फिरोज तुगलक भी बहुत प्यार करता था, लेकिन अकबर ने 1562 में इस दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद में अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। जो तीर्थ यात्रा पर कर लिया जाता था, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, अब किसी से भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, एक अच्छा काम किया भाई। हम किसी नीति को विकास कर दें और बोलते रहें कि ऐसा है वैसा है, उसके बारे में कोई एफर्ट ना करें। जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और कह दें कि हाँ स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई ना करें तो कोई मानेगा? मान लो हमारे जैसा व्यक्ति आपको मिल गया तो पूछेगा भैया क्या पढ़ा आज? तो मुझसे बड़े जो बच्चे हैं हमारे गांव के, हमारे घर के, वो हमसे बड़ी दूर रहते हैं, हमारे पास आते ही नहीं। तो नहीं आते तो मैं उनके लिए टॉफी रखता हूं, आ जाओ, और बगल में एक डंडा भी रखता हूं। तो पहले टॉफी खिलाया, उसके बाद में पूछाई की, और जब नहीं पूछा, नहीं आया, हालांकि डंडा रखता हूं, वो सर्प फण है, वो मध्य मार्ग है, दिखाने के लिए बच्चा डर जाता है, इसलिए वो मेहनत करता है। अच्छा थोड़ो ना कि कोई पिटाई करता है, कोई पिटाई थोड़ो ना करता है आजकल के जमाने में। और अकबर ने अब 1564 ईस्वी में जजिया नामक कर को समाप्त कर दिया, जो हिंदुओं से लिया जाता था। तो एक कोड बताता हूं, एक क्रम याद रखिएगा, यहां पे डी हो गया, यहां पे टी हो गया, और यहां पे जे हो गया, डी टी जे, एक क्रम है, एक कोड है, याद रखना। 1562 63 64, डी का मतलब दास प्रथा हो गया, टी का मतलब तीर्थ यात्रा कर हो गया, और जे का मतलब जजिया कर हो गया। जे का मतलब क्या हो गया? जजिया कर हो गया। ये क्रम से कई बार पूछा है, इन तीनों बातों को याद कर लेना, रिवाइज कीजिए जल्दी से, इन तीनों बातों को जल्दी से रिवाइज कीजिए आप सभी लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। तैयार हो गया तीनों तथ्य? डी टी जे क्या है भाई? DTJ, तीनों तथ्य याद कर लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए।
तीनों तथ्य याद कर लीजिए और जल्दी से याद कर लीजिए। टी टी जे, ठीक। इसी समय इसी चरण में देखो, इसी चरण में अकबर की मुलाकात शेख मुबारक, जो हमने अभी बताया था, शेख मुबारक और उसके बेटों, दो बेटों से हुई। एक का नाम अबुल फजल था और दूसरे का नाम फैजी था। और इसमें से अबुल फजल का अकबर की धार्मिक नीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा और अबुल फजल का भाई था फैजी। इसके अलावा अकबर की धार्मिक नीति का जो अगला चरण है वो 1575 ईस्वी में शुरू होता है, 1579 में समाप्त हो जाता है। 1575 ईस्वी में अकबर फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण करवाता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। इसमें विभिन्न धर्मों के उपदेशों और मूल सिद्धांतों पर क्या होता था, वाद विवाद होता था। लेकिन स्टार्टिंग में पहले क्या हुआ, पहले मुस्लिम धर्म के लोगों को बुलाया गया। 1578 ईस्वी से इसमें सभी धर्म के लोग आने लगे। 1578 ईस्वी से इसमें सभी धर्म के लोग आने लगे। 1579 में अकबर ने महजर या एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसको हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अकबर फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद पर चढ़ गया और एक घोषणा पत्र जारी कर दिया, इसी को मजहर कहा जाता है। अकबर इस घोषणा पत्र के द्वारा अपने धर्म का मुखिया बन गया। अब कोई मुल्ला मौलवी, अब इसमें एक बात बताऊं, जो थोड़े से कट्टर मुल्ला मौलवी होंगे वो अकबर का विरोध करने लगे, लेकिन चलेगी नहीं उनकी, क्योंकि जब ताकत रहती है ना तो सारे धार्मिक नेता शांत रहते। जब बादशाह में ताकत रहती है, जब सीएम, जब पीएम में ताकत रहती है, जब शासक में ताकत रहती है, तो सभी लोग शांत रहते हैं। अकबर के समय में भी ऐसा हुआ। अब ये जो उलेमा वर्ग है इसको भी शांत कर दिया अकबर ने। अकबर की धार्मिक नीति का तीसरा चरण 1579 से 1605 का है, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तब तक है। इसमें 1580-81 में अकबर ने तौहीद इलाही या दीन ए इलाही का एक नया विचार प्रस्तुत किया। दीन ए इलाही 1580 से 81 ईस्वी के बीच में, क्या है तौहीद इलाही, क्या है दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही एक नया विचार है, लेकिन सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों का संकलन ही दीन ए इलाही है। जिस धर्म में अच्छी बात है उसको स्वीकार कर लिया और उसको एक आचार संहिता के रूप में संकलित करके अकबर ने जनता के सामने पेश कर दिया कि ये आपके लिए उपयोगी होगा और राज्य के लिए उपयोगी होगा। यही है दीन ए इलाही। और इसका मुख्य आधार स्तंभ क्या है, सुलह ए कुल, यानी आपके बीच में, हमारे बीच में, शासक के बीच में, प्रजा के बीच में, इस्लाम धर्म के बीच में, हिंदू धर्म के बीच में सुलहवादी नीति को अकबर ने लागू किया। यही है इसकी आचार संहिता, यही है इसकी दीन इलाही। दीन इलाही वास्तव में कोई नया धर्म नहीं था, अपितु वह एक ऐसी आचार संहिता थी जिसमें अकबर के विभिन्न धर्मों के उपदेशों को संकलित कर दिया था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के लोगों के मध्य सद्भाव एवं सहिष्णुता को बढ़ावा देना था और सभी के प्रति अकबर की स्वामी भक्ति को सिद्ध करना था। प्रभाव क्या पड़ा इस धार्मिक नीति का, धार्मिक नीति का प्रभाव यह पड़ा कि अकबर, देखो अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित हो गया। और एलिफिस्टन कह ही देता है कि अकबर मध्यकालीन भारत का पहला राष्ट्रीय शासक था। भाई राष्ट्रीय शासक तो वही होगा जिसके राज्य में हिंदुस्तान की पूरी प्रजा शांतिपूर्वक तरीके से रहेगी, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, वो सबके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करेगा, संतुलन स्थापित करेगा, तभी तो वो राष्ट्रीय शासक बनेगा, तभी तो वो अखिल भारतीय शासक बनेगा, नहीं तो वो एकांगी शासक बन जाएगा। तो राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित हो गया। सोचिए कितना दिमाग था इस अकबर में, बड़ी तवज्जो देता हूं इसको मैं। अकबर राष्ट्रीय शासक के रूप में क्या हो गया, अकबर राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित हो गया।
हाँ, आज रात में भोजन वगैरह सब यही मिलेगा, खाना पानी सब कुछ यही मिलेगा, आराम से क्लास देखते रहिए। क्यों ईशु गुप्ता? ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता। अकबर बड़ा था या प्रधानमंत्री बड़े हैं? भाई देखो, अकबर को हमने देखा नहीं, लेकिन अकबर को महान कहा जाता है, और जो हमारा वर्तमान में राजा है उसको हम छोटा तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि हम तो उसी के राज में रह रहे हैं, और हमारी औकात ही क्या है, हम तो प्रजा हैं। हम लोग क्या हैं, हम तो प्रजा हैं भाई, क्यों विशाल? हाँ, आज भंडारा मिलेगा, भंडारे में क्या खाना है जल्दी से बताओ। और जो खाना खा चुके हैं वो भंडारे में सर्विस देंगे, क्यों? ठीक है, क्या हुआ यीशु को, क्या हो गया? देखो यीशु क्या कह रहे हैं तुम्हें, मैं तो यीशु को कुछ बोलता नहीं और यीशु को कोई कुछ कह रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। जनता को उलेमाओं के अत्याचारों से मुक्त करवा दिया, जो जनता के ऊपर उलेमा लोग अपने अधिकारों को स्थापित करते थे, अपने हिसाब से जनता को चलाने का प्रयास करते थे, अब अकबर धार्मिक प्रचारक बन गया महजर को जारी करके, तो इससे भी मुक्ति दिलवा दी। सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिला, नई परंपराओं का विकास हुआ। थोड़ा मूल्यांकन करके देखिए, अकबर की धार्मिक नीति निश्चित रूप से सफल थी। एक विश्लेषण कीजिए, एक मूल्यांकन कीजिए। अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति दोनों सफल थी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह अपनी इस नीति के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। तो जब आईएएस बन जाएंगे तब सफल आपकी नीति हो जाएगी, आपकी पढ़ाई सफल हो जाएगी, चाहे आप नाचते नाचते पढ़ रहे हो, चाहे डांस करते पढ़ रहे हो, चाहे एसी चला के कंबल के नीचे बिल्कुल बैठे हो, लीड लगा के ब्लूटूथ लगा के, कोई देखने वाला है क्या? बस कुल मिला के आपको चीजें याद रहनी चाहिए, और याद उसी को होंगी जो बार बार पढ़ेगा। एक बार में कोई चीज थोड़ा ना याद होती, कई बार अगर चीज पढ़ोगे तब आपको याद होगी। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन साम्राज्य के समक्ष उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में भी किया जाना चाहिए। जो राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हुई उसको इसने समाप्त किया। यद्यपि दीन ए इलाही अकबर के समय में अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया था, केवल बीरबल ही इसे स्वीकार करता है, बस जहांगीर ने इसीलिए इसका परित्याग कर दिया, जिसके कारण अनेक इतिहासकारों ने अकबर की धार्मिक नीति को अव्यवहारिक बताया था। अच्छा, कुछ इतिहासकारों ने अकबर के दीन ए इलाही को मूर्खता का स्मारक बताया था। इसका नाम है स्मिथ। इसने कहा कि ये अकबर की जो दीन ए इलाही नीति थी ये इसकी मूर्खता का स्मारक था, इसको तो कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, इसीलिए जहांगीर ने इसका परित्याग कर दिया। ये इसकी आलोचना का पक्ष है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, दीन इलाही अकबर की समग्र धार्मिक नीति को, लेकिन अब आगे बढ़िए और देखिए, दीन इलाही अकबर की समग्र धार्मिक नीति को थोड़ा ना दर्शाता है। अकबर की समग्र धार्मिक नीति का जो बेस है, जो आधार है, वो तो सुला ए कुल है बाबू लोग। तो अकबर को समझेंगे तो पसीना छूट जाता है। जिसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है, अकबर की धार्मिक नीति के महत्व को तत्कालीन यूरोप यूरोप में प्रोटेस्टाइन एवं कैथोलिक संप्रदायों के मध्य संघर्षपूर्ण स्थितियों के संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे यूरोप में कैथोलिक जो ईसाई धर्म था वो दो भागों में विभाजित होकर संघर्ष होने लगा था, भारत में भी हिंदू मुस्लिम की यही स्थिति थी, तो वहां पे फिर शांति प्रदान हुई, तो यहां पे भी शांति प्रदान की, और यह काम अकबर की सुलह ए कुल की नीति ने किया था। ये तुलना कर देंगे कैसे, आपको नंबर नहीं मिलेगा।
इस प्रकार अकबर अपने समय से आगे के विचारों को अपनाने वाला व्यक्ति था। वो एक नए युग का अग्रदूत था, इसलिए उसे महान शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए उसे एक महान शासक कहा जाता है। किसको? अकबर को। जहांगीर, जहांगीर ने अकबर की धार्मिक नीति को अपनाया लेकिन दीन इलाही को त्याग दिया। जजिया कर को बंद किया हुआ था, तीर्थ यात्रा कर को बंद किया हुआ था। जहांगीर ने मंदिर बनवाने की सुविधा हिंदुओं को प्राप्त रही, जो हिंदू शासक रहे वो मंदिर बनवाते रहे, ये सुविधा अकबर के समय में हिंदुओं को मिली रही और जहांगीर ने भी यह सुविधा प्रदान की थी। लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है जहांगीर की, क्योंकि इसने कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। तो इसकी आलोचना देखिए, कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़वाया क्योंकि वो अंधविश्वास के केंद्र बन गए थे। एक बात बताऊं आपको, आज भी कल भी उसके पहले भी कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित संस्थान हो या पूजा घर हो, अगर शासक समझता है कि वह उसके राज्य के लिए खतरा है, तो आप लोग देखोगे तो चाहे मुस्लिम शासक हो चाहे कोई भी शासक हो, वो उसे बर्दाश्त थोड़ो ना करता है। तो जहांगीर का कहना यही था कि वो अंधविश्वास के केंद्र बन गए थे, इसलिए उसने कुछ मंदिरों को तोड़वाया। इसके अलावा सिखों के गुरु अर्जुन देव का भी इसने वध करवा दिया था, इसलिए भी आलोचना की जाती है। तो सिखों के ये पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास और पांचवें गुरु ये आपके हुए जिनका नाम था अर्जुन देव। पहले गुरु नानक, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास और पांचवें अर्जुन देव। कुल 10 गुरुओं का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। इनको मृत्युदंड दिलवा दिया था क्योंकि इन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो का समर्थन किया था। ये खुसरो कौन था? ये जहांगीर का पुत्र था और इसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जब विद्रोह करके यह अर्जुन देव के दरबार में पहुंचा तो अर्जुन देव साहब ने इनको संरक्षण दिया, हथियार वगैरह भी उपलब्ध कराए, इसलिए जहांगीर नाराज हो गया और नहा राज होके ये अर्जुन देव की हत्या करवा देता है 1605 ईस्वी में। यह भी इसके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है। उसके बाद में शाहजहां आता है, इसने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे इस शाहजहां ने भी, कब? 1633 ईस्वी में। जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह के समय दंड स्वरूप इसने मंदिरों को तोड़वाया था। जब बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह बुंदेला ने इसके समय में विद्रोह किया तो इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो मंदिर थे इस मंदिरों को तोड़वा दिया इस शाहजहां ने 1633 ईस्वी में। यद्यपि शाहजहां की नीति विरोधी नहीं थी लेकिन इसमें इस्लाम के प्रति अधिक आस्था प्रकट की गई। इस्लाम के प्रति क्या प्रकट की गई? अधिक आस्था प्रकट की गई इसमें। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इसकी धार्मिक नीति समय समय पर राजनैतिक हिसाब किताब से बदलती रही। धर्म औरंगजेब की नीति का आधार नहीं था अपितु धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसने प्रयोग किया। राजनीतिक हथियार के रूप में धर्म का प्रयोग इस औरंगजेब ने किया। पहला चरण इसका है, इसने झरोखा दर्शन बंद कर दिया। मुगल बादशाह सुबह सुबह उठते थे, मुगल बादशाह का जो निवास स्थान होता था और उस भवन में जो सबसे ऊंची खिड़की होती थी वहां से वो सुबह सुबह उठते थे और प्रजा की भीड़ लगी रहती थी, झरोखा दर्शन देते थे। ये एक ईरानी प्रथा थी जिसको बलवन ने शुरू किया था भारत में, लेकिन औरंगजेब इसको स्वीकार करता है, कहता है कि ये इस्लाम धर्म के अनुकूल नहीं है, इस्लाम में कहीं भी इसका विवरण नहीं है, इस सरायम शरीयत के अनुकूल नहीं है। नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया। नवरोज एक त्यौहार है, एक उत्सव है, इसको भी इसने समाप्त कर दिया। ये देखो, सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया जाता था मुगल शासकों द्वारा, जो सिक्का, जो क्वाइन होता है, जो क्वाइन, सिक्के के आसपास जाओ, सिक्का है आप लोगों के पास, सोने का सिक्का है किसी के पास,
चांदी का सिक्का है किसी के पास तो जितना सिक्का हो सब गुरु जी के पास भेज देना आप सभी लोग। क्यों? है किसी के पास सिक्का? नहीं है किसी के पास, सिक्का ही नहीं है किसी के पास। है चांदी का सिक्का है, सोने का है, अच्छा सिल्वर का है। हमें कई संस्थाओं से चांदी का सिक्का मिला है, सोने का तो कोई नहीं दिया है, लेकिन हाँ चांदी का सिक्का एक उपहार के रूप में मिला है। कई सिक्के मिले हुए हमारे पास वर्तमान में भी रखे हुए। तो आप समझिए कि आप लोगों के पास सिक्का है तो उस सिक्के पर लिखा होता था औरंगजेब के समय में कलमा। ये इस्लाम धर्म और संप्रदाय की जो प्रसिद्ध पुस्तकें होती थी धार्मिक, उसमें एक सूक्ति के रूप में होती थी, एक चौपाई के रूप में होती थी, एक छंद के रूप में होती थी। सिक्कों पर कलमा लिखना बंद करवा दिया औरंगजेब ने, क्यों कोई बता सकता है? अच्छा किरण के पास है, सरदार जी के पास भी है, बड़ी अच्छी बात है फिर। हाँ सभी लोग भिजवा दीजिए गुरु जी के पास। क्या करोगे आप लोग? आप लोगों को पढ़ाई से काम है क्यों? सिक्का उक्का नहीं रखना चाहिए, सब गुरु जी को दे देना चाहिए। क्यों निशा, सही कह रहा हूं ना? तो जरा आप सोचो कि जो कलमा है एक पवित्र परंपरा है इस्लाम धर्म की, उसको सिक्कों पर कलमा लिखना औरंगजेब बंद करवा दे रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा औरंगजेब। तो क्या सोचा जल्दी बताओ आप सभी लोग, क्या सोचा औरंगजेब क्यों बंद करवा रहा है? नहीं सोच पाओगे। इसलिए बंद करवा दिया कि इस्लाम धर्म की एक पवित्र सूक्ति होती थी। और कई बार जैसे सिक्का मान लो आपके हाथ में है और कई बार हाथ गंदा रहता है और उस पर इस्लाम धर्म की प्रसिद्ध सूक्ति लिखी हुई है, तो एक गंदे हाथ में वो सूक्ति चली गई। औरंगजेब कहता है कि कई बार सिक्का हाथ से गिर जाता है और गलत जगह पे गिर जाता है, वो अपवित्र क्षेत्र रहता है, उससे भी इस्लाम धर्म पर ठेस पहुंचती है, तो इसलिए औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखने की परंपरा को बंद करवा दिया। और क्या करता है ये, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो औरंगजेब की नीति है थोड़ा सा देखिए आगे। ये मुहत्सिब नामक एक सदाचार अधिकारी की नियुक्ति करता है, मुहत्सिब। इससे कहता है कि अगर इन परंपराओं का कोई पालन नहीं करता, इन आदेशों का कोई पालन नहीं करता, तो उसको आप देखिए और दंड दीजिए। इसके लिए औरंगजेब मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है अपने पहले चरण में। ये नैतिक आचार का निरीक्षक है, नैतिक विचार का निरीक्षक है। औरंगजेब की धार्मिक नीति प्रारंभिक चरण शाहजहां की नीति के अनुकूल था, जिसमें शरीयत को अत्यधिक महत्व देते हुए दिखाई पड़ रहा है ये औरंगजेब। सराय एवं शरीयत जो इस्लाम की एक कानूनी पुस्तक है। दूसरा चरण, इस काल के चरण को आर्थिक संकट की समस्याओं से प्रेरित होते हुए देखा जाता है। ऐसा माना गया कि इस काल में इसने यानी औरंगजेब ने दरबारी संगीतकारों, संगीतकार, गीतकार, कलाकार और इतिहासकारों पर प्रतिबंध लगा दिया।
कहा कि देखो भाई, इस्लाम में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कि इतिहासकारों को दरबार में रखा जाए, साहित्यकारों को दरबार में रखा जाए, म्यूजिक की भी उतनी मान्यता नहीं है। तो कहा सब पे प्रतिबंध लगा देता हूँ, सब लोग भाग जाइए। सब लोग भाग के इस समय प्रांतों में चले गए। इसके अलावा और क्या किया? सोने और चांदी और रेशम की वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर दिया बादशाह औरंगजेब। इसके अलावा जो बादशाह होते थे वो सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे। औरंगजेब ने जो सोने और चांदी के बर्तन थे तोड़वा दिया। मैं तो कहता हूं मुझे दे दिए होते साहब। क्यों तोड़वा क्यों दिया भाई, बेच देते। और कहते हैं सबसे पहले इस नियम को औरंगजेब ने अपने घर में ही लागू किया, स्वयं के ऊपर लागू किया। सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना बंद। मुस्लिम व्यापारी कर मुक्त राजस्व विभाग में निम्न पद भी मुस्लिमों को दिए गए। मुस्लिम व्यापारी को कर मुक्त कर दिया गया। राजस्व विभाग में निम्न पद भी, मतलब राजस्व विभाग में मुख्यतः बड़े बड़े पद मुस्लिमों को दिए जाते थे, अब छोटे छोटे पद भी दिए जाने लगे। मुस्लिम वर्ग को आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब तीसरा चरण है, थोड़ा कट्टरपंथी विचारधाराओं से ये चरण प्रभावित। इस चरण में औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर फिर से जजिया लगा दिया। लो, इसीलिए कहा गया कि ये कट्टरपंथी चरण है। हिंदू पाठशालाओं और त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, इसीलिए अकबर नहीं बन पाया ये। अब धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के पतन में इसका योगदान भी माना जाएगा, इसी कारण बस। तो अकबर की धार्मिक नीति को त्यागता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है उसको त्यागता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और धार्मिक कट्टरता की नीति का पालन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब धार्मिक कट्टरता की स्थिति इसके समय में आएगी तो अभी तुरंत क्या करेंगे? किसान हैं, जाट हैं, बुंदेला हैं, सिख हैं, राजपूत हैं, ये सब इसके खिलाफ विद्रोह करने लगेंगे, और फिर राज्य औरंगजेब का कमजोर होगा धीरे धीरे। विद्रोहियों को दंड देने के क्रम में क्या किया? विद्रोहियों को दंड न देके मंदिरों को तोड़वा दिया था उस क्षेत्र के। मराठों, सिखों, सतनामियों, जाटों का विद्रोह इसी के काल में हुआ, क्योंकि ये हिंदू विद्रोही काम कर रहा है। इसका जो चौथा चरण है वो थोड़ा व्यवहारिक चरण आपको दिखाई पड़ेगा। इस चरण में ये है, जो धार्मिक नीति है वो राजनीति से प्रेरित होती हुई दिखाई पड़ती। इस चरण में इसने क्या किया? बीजापुर के ऊपर आक्रमण किया, गोलकुंडा के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके यहाँ के राजाओं को पराजित कर दिया। और बीजापुर को 1686 और गोलकुंडा को, बीजापुर को 1686-87 में इन दोनों राज्यों को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। और इसी चरण में संभाजी, जो मराठा छत्रपति के रूप में हैं, इनको मृत्यु दंड की सजा दी। अतः स्पष्ट है कि औरंगजेब धर्म को राजनीति में आवश्यकताओं के रूप में इस्तेमाल करता था। आवश्यकताओं के रूप में क्या करता था? इस्तेमाल करता था। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है, मैंने आपको अभी पढ़ाया है, चलिए बताइए। प्रश्न की संख्या मत देखिएगा, जरा बताइए तो आप लोग इसका उत्तर क्या होगा। बताइए जरा ध्यानपूर्वक बताइए भाई।
क्या होगा इसका उत्तर? और अभी पढ़ाया हूं इसको, गलत मत बताना, वैसे पिटाई तो नहीं होगी आप लोगों की, क्योंकि सब आईएएस हैं भाई, भविष्य के। क्या हैं? आईएएस हैं। वेरी गुड वेरी गुड आशीष, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आप लोगों को पता है, यही तो पढ़ाया था, अमरकोट का, जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं निम्नलिखित में से किसकी शरण में था? अमरकोट के राजा की शरण में था, और इस अमरकोट के राजा का नाम था राणा बीरसाल। ये अमरकोट सिंध में स्थित था। ठीक, एक और प्रश्न आपके सामने है। इसको देखिए आप सभी लोग, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बताइए, देखिए जरा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अब सभी लोगों को उत्तर बताना है, बस चैट नहीं करना है अभी, क्योंकि मैं देखता रहता हूं और मुझे पता है आप लोग हमारा सम्मान करेंगे। अभी हमने बताया था अबुल फजल, इसी के पिता का नाम क्या था? इसी के पिता का नाम था शेख मुबारक। शेख मुबारक और अकबर की मुलाकात पहले चरण में हुई थी, धार्मिक नीति के पहले चरण में ही इस अबुल फजल से हुई थी, और अबुल फजल की हत्या सलीम ने बीर सिंह बुंदेला के माध्यम से करवा दी थी। कब? 1605 ईस्वी में। क्या मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं? एस या नो, जल्दी से बताओ। क्या अबुल फजल की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई? सही या गलत, जल्दी से बताओ, एस या नो, बताओ जल्दी से, एस या नो। एस या नो, माता जी पेटीकोट गवर्नमेंट पढ़ा दिया हूं, तो लाडले साहब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा रिटर्न जाके, ठीक, अच्छे से पढ़ाया हूं। गलत गलत, कतई गलत गलत, क्या है? गलत गलत। तो कब हुई थी? 1602 में हुई थी। वेरी गुड, काफी समझदार हो चुके हैं आप लोग। 1602 में हत्या करवाई थी सलीम ने इस अबुल फजल की। ठीक, 1602 में सलीम ने हत्या करवाई थी। एक अगला प्रश्न है, मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं जहां से प्रश्न बनते हैं और जो मैं पढ़ाया हूं। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइए। जो नए लोग शामिल हैं सभी लोग लाइक कर लीजिए क्लास को। बताइए बताइए, तीसरा प्रश्न है वैसे। एनपी, नरेंद्र प्रताप ऐसा कुछ नाम होगा आपका, क्यों? लाहौर,
आप हमें लगता है पहले क्लास में नहीं थे इसीलिए गलत बता रहे हैं, कोई बात नहीं। और कौन सही बता रहा है? सी, सुरुचि सी बता रही हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, काफी समझदार है सुरुचि। कोई शक नहीं है समझदारी पे, वेरी गुड, सही बताया, पढ़ाई भी करती है मन से ये। और क्यूटो साहब भी सही बता रहे हैं, ये भी पढ़ाई करते हैं, अच्छा नाम है क्यूटो प्रोटोकॉल। कृष्णु पांडे कलानौर, वेरी गुड, समरेंद्र साहब हैं ये भी कलानौर बता रहे हैं, वेरी गुड। तो ये कलानौर कहाँ है भाई? तो ये कलानौर कहाँ है? ये कलानौर गुरदासपुर में है, गुरदासपुर में है। और गुरदासपुर कहाँ है? गुरदासपुर पंजाब में। और यहाँ पे जब अकबर का राज्याभिषेक होता है तो अकबर की उम्र 13 वर्ष 4 माह थी, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे अकबर का क्या होता है? कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक होता है। और यही प्रश्न तो पूछा जा रहा है। और एक प्रश्न खोजता हूं आप लोगों के लिए, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लिया है इसीलिए पूछ रहा हूं। बाबर और हुमायूं पढ़ लिया है, अब इसका क्रम आपको बताना है, जरा देखिए। तो एक बार इस प्रश्न को ध्यान से बताइएगा, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से बताइएगा। ए बी सी डी सभी सही हो रहा है इसमें, है? मुझे पता था, मुझे पता था कि आप लोग चारों विकल्प उत्तर के रूप में बताएंगे, मुझे पता था। किसके शो में ऐसा बोलता है भाई वो कलाकार, क्या नाम है वो पंडित जी का जो शो है, शर्मा जी का? मुझे पता था कि आप लोग उत्तर ए विकल्प के रूप में बता रहे हैं और यही सही होगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है बाबर के समय में, दौसा ये गोमती नदी के किनारे है और यह युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा जाता है 1531 ईस्वी में, और चौसा का युद्ध कब लड़ा जाता है? 1549 ईस्वी में लड़ा जाता है, 1549 ईस्वी में लड़ा जाता है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में यह युद्ध होता है, शेरशाह हुमायूं को पराजित कर देता है। ठीक, तो ए विकल्प यहां पे सही हुआ। ये जरा इस प्रश्न को बताइए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, अभी पढ़ाया हूं थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले इसको पढ़ाया हूं। ध्यानपूर्वक बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी बताओ, इसमें बाबर सही है, इसमें हुमायूं बैरम खां सही है, जहांगीर सवाई जयसिंह गलत है, औरंगजेब का जसवंत सही है, ये जो जयसिंह है ये किसके दरबार में था? जो जयसिंह है ये जहांदर शाह और फर्रुख शेर के दरबार में था, ध्यान में रखिएगा।
ठीक। एक प्रश्न और बताइए बस, लास्ट इस प्रश्न को बता दीजिए बस, इसको पढ़ा हुआ है आपने, ये लास्ट है, आखिरी प्रश्न है, बाकी बढ़िया से आप भोजन वगैरह कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तभी उत्तर बता पाएंगे आप सभी लोग। आप लोगों को क्लास समाप्त होने से पहले ये बता दूं कि सुबह 7 बजे से एक क्लास होगी, 7 AM से एक क्लास होगी, और इसमें कला एवं संस्कृति का हम लोग अध्ययन करेंगे और खास करके मुगल कालीन चित्रकला का अध्ययन करेंगे, तो बहुत उपयोगी है। जो चित्रकला का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, जो अजंता एलोरा आप लोगों ने पढ़ लिया था, उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का कोई इतिहास है नहीं, तो मुख्यतः मुगल कालीन चित्रकला को पढ़ेंगे सुबह 7 बजे। ठीक, सुबह 7 बजे, और सुबह 10 बजे दूसरी क्लास भी होगी, उसमें एमसीक्यू के रूप में हम लोग गवर्नर जनरलों का अध्ययन करेंगे, आधुनिक भारत। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा BSE, BSE। हाँ ठीक, तो ई मतलब इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित कर दिया, और पराजित करके ये क्या बन गया था? ये शासक बन गया था। तो प्रश्न तो बहुत हैं लेकिन आप लोग ही पीछे हट रहे हैं, जबकि गुरु